हाय बच्चा बाड़ी, दिस इज़ योर एजुकेटर शुभम पाठक और आज हम करने वाले हैं क्लास 10 फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का पूरा रिवीजन भी नहीं, पूरी एनसीईआरटी की एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी, फॉर्मूला भी मिलेंगे, एक्स्ट्रा भी पढ़ा दूंगी, इसके साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी करा दूंगी जो आपके बोर्ड एग्जाम्स पे आ सकते हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी अ वन शॉट क्लास फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। एक भी सेंटेंस, एक भी कॉन्सेप्ट हम छोड़ने नहीं वाले हैं, ठीक है। पहली बार इस चैनल पर फिजिक्स पढ़ा रही हूँ, शुभम पाठक नाम है मेरा इस चैनल पर। मैं यूजली एसएसटी या बायोलॉजी या केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ, लेकिन फिजिक्स का लेक्चर पहली बार आ रहा है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा और मुझे कमेंट्स में भी बता देंगे कि कैसा लगा, कौन सा पार्ट अच्छा लगा, कौन सा पार्ट नहीं अच्छा लगा, तो बहुत ही खुश हो जाऊंगी मैं। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर क्लास 10 में बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है भी थोड़ा सा डिफिकल्ट, क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट हम पहली बार पढ़ते हैं। इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट हम जो है बचपन की छोटी क्लासेस में पढ़ के नहीं आए हैं, लेकिन क्लास 9th में हम एक चीज़ पढ़ के आए हैं जिससे हम स्टार्ट करने वाले हैं। उस चीज़ का नाम है एटम। क्लास 9th में आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ के आए हो, जिसमें अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग स्ट्रक्चर ऑफ एटम बताए थे। हम बहुत ज़्यादा टिपिकल स्ट्रक्चर पे नहीं जाएंगे, डिफिकल्ट स्ट्रक्चर पे नहीं जाएंगे। हम आज की क्लास के लिए बोहर मॉडल पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, क्योंकि बोहर का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर था उसमें बहुत क्लैरिटी भी है, बहुत कन्वीनियंस भी है और बहुत ईजी भी है। तो बोहर के मॉडल पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अच्छा, ये तो पता है कि आसपास जो भी सारी चीज़ें होती हैं वो मैटर होती हैं, केमिस्ट्री का ये रूल है। फिजिक्स छोड़ो, अभी केमिस्ट्री का रूल। मैटर किससे बना होता है? मैटर बना होता है एटम्स से, और वो एटम का यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। एटम्स कैसे दिखते हैं? एटम्स के बीच में एक न्यूक्लियस होता है बच्चा, पेन। एटम के बीच में एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑर्बिटल्स में या ऑर्बिट्स में, शेल्स में, जो भी बोलो, ऑर्बिट्स बोलो, ऑर्बिटल बोलो, शेल बोलो, एक ही बात है। वो कंसेंट्रिक सर्कल जैसे ऑर्बिट्स में न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर सकते हैं। इनको आप अलग अलग नाम से जानते हो, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, या के एल एम एन, इस तरीके से आप भी नाम दे देते हो ऑर्बिट्स को, राइट। ऑर्बिट्स में अलग अलग सैचुरेशन होता है, जैसे फर्स्ट ऑर्बिट जो होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं स्टेबिलिटी के लिए, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। और जो सबसे बाहर वाला एक एटम के स्ट्रक्चर में जो सबसे बाहर वाला शेल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं या तो हम बोलते हैं आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब कुछ एटम्स होते हैं जिनमें ये आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तरह मूवमेंट दिखाते हैं, ठीक है। कुछ मैटर या कुछ एलिमेंट्स के एटम आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तरह मूवमेंट दिखाते हैं, एक एटम से दूसरे एटम कूदते फिरते हैं। तो इसी बेसिस पे हम जो है मैटर को या मटेरियल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक है आपका कंडक्टर, दूसरा है आपका इंसुलेटर। कंडक्टर वो वाला मटेरियल होता है जिसके एटम्स, जिसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अच्छी मूवमेंट दिखाते हैं, ठीक है। इंसुलेटर वो मटेरियल होता है जिसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स या तो बिल्कुल मूवमेंट नहीं दिखाते हैं, या फिर अगर दिखाते हैं तो नाम मात्र, यानी कि बहुत ही मिनिमम मूवमेंट दिखाते हैं। यहाँ से क्लियर है? कंडक्टर, इसीलिए कंडक्टर। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जब वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं बच्चा, तो इन्हीं इलेक्ट्रॉन की फ्लो की वजह से इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो करता है। वो आप आगे धीरे धीरे अच्छे से समझ जाओगे। इसीलिए हम पढ़ते हैं कि कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं अपने अंदर से और इंसुलेटर पास नहीं होने देते। क्यों? क्योंकि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और वो एक जगह से दूसरी का मूवमेंट दिखाते हैं, इंसुलेटर में ऐसा नहीं होता। तो कंडक्टर्स के एग्जाम्पल हैं कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टील, यानी कि जो आपके मेटल्स हैं वो कंडक्टर्स के एग्जाम्पल्स हैं। इंसुलेटर में प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया। बोलते हैं ना कि जब भी कोई बिजली का काम कर रहे हो तो चप्पल तो पहन लिया करो, क्योंकि चप्पल बनी हुई होती है रबड़ से और रबड़ होता है इंसुलेटर, ताकि हम अर्थ को टच ना करें, सर्किट कंप्लीट ना हो और इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। तो इंसुलेटर्स आर मटीरियल दैट डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। अब हमें एटम समझ आया, बोहर का मॉडल समझ आया कि फ्री इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, उनके बेसिस पे हम कंडक्टर और इंसुलेटर बोलते हैं। बट जो एक चीज स्लाइड पे समझ नहीं आई, उसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। तो वॉट इज दिस इलेक्ट्रिक करंट? दिस इलेक्ट्रिक करंट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी। कुछ
कुछ मटेरियल्स की, कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स की ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं जब उन्हें किसी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में लगाया जाता है, उसे आप इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हो। अभी भी नहीं आया समझ? चलो थोड़ा सा डीप में पढ़ाते हैं। मान लो ये एक कंडक्टर है, राइट? कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो अलग अलग डायरेक्शन में घूम रहे हैं भाई, उन्हें नहीं पता किस साइड जाना है, वो घूमे जा रहे हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई आपस में लड़ रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड कर रहे हैं, उनकी जो मूवमेंट है वो हैपहैजर्ड है, मल्टी डायरेक्शनल है, डायरेक्शन लेस है एक तरीके से आप बोल सकते हो। अब इन डायरेक्शन लेस इलेक्ट्रॉन्स को अगर आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करनी है, आप चाहते हो कि इलेक्ट्रॉन्स जैसा आप चाहो उस तरीके से उस डायरेक्शन में फ्लो करें, सारे एक ही डायरेक्शन में एक ही साथ फ्लो करें, तो आपको कोई फोर्स लगाना पड़ेगा भाई। आप वो देखते हो, ये जो शेफर्ड्स होते हैं जिनके पास बहुत सारी गाय बैल बकरियां होती हैं, जो वो बकरियां चरा रहे होते हैं, बकरियां इधर उधर निकल रही होती हैं, तो डंडा लेके चलती हैं साथ, एक डार्ट लगाते हैं, सारी बकरियां लाइन में चलना शुरू कर देती हैं। सिमिलरली अगर एक कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन हैपहैजर्ड जा रहे हैं टू मेक श्योर दैट दे आर स्ट्रीमलाइन, दे आर मोर डायरेक्शनल, सो दैट दे गिव करंट ऑफ फ्लो, उसके लिए आपको एक लगाना पड़ता है फोर्स। वो फोर्स या तो मैग्नेटिक फील्ड से आ सकता है या इलेक्ट्रिक फील्ड से आ सकता है। इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड से वो फोर्स आएगा तो इलेक्ट्रॉन्स का जो है डायरेक्शन आएगा। अब चलो, अभी तो हम मटेरियल की बात कर रहे हैं, मैटर, कंडक्टर, इंसुलेटर की बात कर रहे हैं। क्या बहुत ही छोटे लेवल पे अगर हम प्रोटॉन की बात करें या हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो क्या उसमें भी चार्ज होता है? हम तो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स पे होता है नेगेटिव चार्ज। सो यस, यू आर राइट, प्रोटॉन्स के चार्ज को भी आप चार्ज कंस्टिट्यूट कर सकते हो, पॉजिटिव चार्ज बोलोगे उसे, और इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज को भी आप चार्ज बोल सकते हो पर उसे नेगेटिव चार्ज बोलोगे। तो यहां से हमें समझ आ रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो, कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। भाई सारा मैटर तो एटम से बना है और एटम्स के अंदर पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी हैं, तो इलेक्ट्रिक चार्ज भी तो पॉजिटिव और वो नेगेटिव हो सकता है। जिस मैटर में, जिस मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स, फ्री फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा दिखेंगे आपको, उसमें नेगेटिव चार्ज मान लोगे आप। जिसमें आपको इलेक्ट्रॉन्स की कमी दिखेगी फ्री फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स की, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा दिखेगा, उससे आप पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज वाला मटीरियल मान लोगे, है ना? तो इतना समझ आया। अब आगे जाने से पहले एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसे एज अ रूल अगर आप याद कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है? वो रूल ये कहता है बच्चा, वो रूल कहता है कि लाइक चार्जेस रिपेल। ये तो सोसाइटी का भी रूल है, सोसाइटी में भी आप सुनते रहते हो कि लाइक एक सेम लोग होते हैं तो उनकी आपस में नहीं बनती, लेकिन ऑपोजिट नेचर वाले लोगों की आपस में बनती है। ये फिजिक्स का भी बहुत अच्छा रूल है कि लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और ऑपोजिट चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है? अब ये रट्टा मारने वाली बात नहीं है, ये बहुत लॉजिक सी बात है। नेचर में हर मटेरियल को, चाहे बायोलॉजी पढ़ो, चाहे केमिस्ट्री पढ़ो, चाहे फिजिक्स पढ़ो, नेचर में हर किसी को चाहिए इक्विलिब्रियम, हर किसी को चाहिए न्यूट्रलिटी। तो अगर कोई चीज़ ज़्यादा नेगेटिवली चार्ज है तो वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज चीज़ की तरफ भागेगी, उसे अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ ताकि वो इक्विलिब्रियम की तरफ बढ़ सके, है ना? नेगेटिव को तो बैलेंस आउट पॉजिटिव ही करेगा। ऑन द अदर हैंड, अगर नेगेटिव को नेगेटिव के सामने ला के खड़ा करोगे, एक नेगेटिवली चार्ज मैटर को नेगेटिवली चार्ज मैटर के सामने, तो वो आपस में रिपेल करेंगे। सिमिलरली पॉजिटिव का भी केस है, दैट लाइक चार्जेस रिपेल बट अनलाइक चार्जेस या ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट एक इलेक्ट्रॉन एंड एक प्रोटॉन, पता है इसके लिए एक अलग से नाम होता है, ऐसा इलेक्ट्रिक चार्ज जो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पे देखने को मिलता है उसे आप बोलते हो एलिमेंट्री चार्ज, और ऐसा इलेक्ट्रिक चार्ज जो एक प्रोटॉन पे देखने को मिलता है उसे भी आप एलिमेंट्री चार्ज कहते हो। तो यानी कि एलिमेंट्री चार्ज कैन ऑल्सो बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है ये तो कैलकुलेटेड है, ये तो रट्टा ही मार लो, 1.6 इंटू 10^-19 कूलम। कूलम क्या होता है बच्चा? कूलम होता है इलेक्ट्रिक चार्ज की SI यूनिट,
ठीक है, कूलम। सिमिलरली प्रोटॉन पे भी कितना होगा, प्रोटॉन पे तो इलेक्ट्रॉन जितना ही चार्ज होता है, बस ऑपोजिट अट्रैक्शन का होता है, ऑपोजिट नेचर का होता है ना, तो प्रोटॉन पे भी इतना ही चार्ज होगा। और अगर बोले वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, तो पहले तो मोल नंबर हमें पता होना चाहिए, जो क्लास नाइन से हम रट्टा मार के बैठे हैं उस मोल नंबर को आप एक इलेक्ट्रॉन चार्ज के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता लग जाएगा। अब क्या यहां से मैं ये बोल सकती हूँ, क्या मैं यहां से ये बोल सकती हूं कि अगर एक मटेरियल में, एक हमारे पास कंडक्टर है, एक मटेरियल है हमारे पास बच्चा, इस मटेरियल में अगर मेरे पास 100 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इमेजिन करो इसमें 100 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और मैं आपसे बोल रही हूं कि बताओ इसका चार्ज कितना है, तो आप बोल दोगे हाँ ठीक है 100 इलेक्ट्रॉन इंटू 1.6 इंटू 10^-19 आगे क्या लगेगा कूलम, है ना, क्योंकि जब ये मटेरियल बना ही इलेक्ट्रॉन से हुआ है, इसमें 100 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका टोटल चार्ज मैं क्या कैलकुलेट कर लूंगी इस तरीके से। इसी फॉर्मूले को बोला जाता है टोटल क्यू, यानी कि टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को ना स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक इसकी SI यूनिट कूलम, और एक इसको डिनोट कैसे करते हैं स्मॉल क्यू से करते हैं। तो टोटल चार्ज इज इक्वल टू नथिंग बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। आया समझ, ये फॉर्मूला याद रखना, रट्टा कोई नहीं मारेगा, लॉजिक पे चलेंगे अपन। मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इनटू जितना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे इज क्यू, राइट। आगे चलते हैं। अच्छा, मैं कुछ देर पहले आपको बोल रही थी कि नेचर में सारा मटेरियल या सारा नेचर, सारा एनवायरनमेंट चाहता है न्यूट्रैलिटी, सारा एनवायरनमेंट चाहता है एक तरीके से, न्यूट्रैलिटी का दूसरा वर्ड क्या होता है, स्टेबिलिटी, है ना। तो जब भी हमारे पास आसपास जो आपको नेचर में मटेरियल दिखता है, मैटर दिखता है, मोस्टली उस मैटर में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका नेट चार्ज जो है न्यूट्रल होता है, ठीक है, क्योंकि ना तो उसे आप नेगेटिवली चार्ज बोल सकते हो, ना उसे आप पॉजिटिवली चार्ज बोल सकते हो। तो आसपास आपको जो मैटर दिखता है मोस्टली दैट इज इन द न्यूट्रल स्टेज, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसकी न्यूट्रलिटी वाली चीज को बदल नहीं सकते। ऑल वी हैव टू डू इज हमें बस एक फोर्स देना है, हमें बस एक चेंज लाना है उसके एटम्स में, और फिर वो मटेरियल या तो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा या तो इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा। अब ये बताओ, कॉमन सेंस की बात है, अगर एक मटेरियल जो न्यूट्रल स्टेज पे था, हमने किसी तरीके से उसे कन्विंस कर दिया कि भाई तू इलेक्ट्रॉन दे दे, और या फिर हमने उसे कन्विंस कर दिया कि भाई तू इलेक्ट्रॉन ले ले, तो उसके साथ क्या होगा, जब वो इलेक्ट्रॉन देगा तो वो पॉजिटिवली चार्ज होगा कि नेगेटिवली चार्ज होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन तो उसने दे दिए। तो जब एक मटेरियल इलेक्ट्रॉन देता है तो वो पॉजिटिवली चार्ज कहलाता है, और जब एक मटेरियल इलेक्ट्रॉन्स लेता है तब वो नेगेटिवली चार्ज कहलाता है, क्योंकि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, ना, राइट। सो वी कैन डेफिनेटली चेंज दैट, और ये इस फिगर में आपको सबसे अच्छे से समझ आ रहा है कि यूजली जब स्टैटिक स्टेज में होते हैं, जब ऑन द सर्फेस की बात होती है, कंडक्टर पड़ा हुआ होता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन तब भी फ्लो कर रहे होते हैं, पर वो हैप हैजर्ड मैनर में फ्लो कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप उसके ऊपर कोई फोर्स लगा देते हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल है चाहे वो मैग्नेटिक है, तब आप उनके इलेक्ट्रॉन्स को एक डायरेक्शन दे देते हो, एक डिसिप्लिन दे देते हो, और तब यहीं से पैदा होता है इलेक्ट्रिक करंट। और स्टैटिक करंट जो है बच्चा वो स्टैटिक होता है, मतलब वो एक मोमेंट में होता है, क्योंकि वो सिर्फ सरफेस पे होता है, वो फ्लो ही नहीं होता है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो कॉन्टिन्यूस होता है, वो फ्लो करता रहता है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 है कि आपको मुझे 2-3 पॉइंट्स नीचे लिख के बताने हैं कॉमेंट्स में कि स्टैटिक वर्सेस फ्लो करंट का क्या डिफरेंस है, ठीक है, फर्स्ट होमवर्क क्वेश्चन। चलो आगे चलते हैं, इसका एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ। एग्जांपल है आपका पायदान वाला, पायदान का मतलब कारपेट वाला, कारपेट सबके घर में होगा या फिर डोरमैट होगा।
कारपेट पे अगर आप पैर घिसोगे, आप कारपेट पे बार 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 पैर घिस रहे हो और कारपेट पे पैर घिसने के बाद किसी ऐसे दरवाजे को छुओगे ना जिसका डोर नॉब जो है वो मेटल का बना हुआ होगा, तो एकदम से आपको छोटा सा ही सही लेकिन एक झटका लगेगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है क्योंकि जो अभी तक हमने पढ़ा है वो सच्चाई है। एक्चुअली जब हम कारपेट पे बार 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 पैर रगड़ते हैं तो कारपेट के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे शूज में ट्रांसफर हो जाते हैं, फिर वो शूज से हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। तो जब कारपेट फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे शूज को या हमारी बॉडी को ट्रांसफर कर देता है तो कारपेट क्या हो जाता है? कारपेट हो जाता है पॉजिटिवली चार्ज। इसलिए यहां पे मैंने पॉजिटिव चार्ज दिखाया हुआ है। फिर हमारी बॉडी में क्या हो गया? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। हम क्या हैं? देखो नेचुरल ह्यूमन बीइंग्स हैं, नेचुरल जीव जंतु हैं, तो हमारी बॉडी चाह रही है कि हमें न्यूट्रल स्टेज में आना है, स्टेबल स्टेज में आना है। ये जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो गए हमारी बॉडी में हमें पसंद आ नहीं रहे, तो उसके बाद जब वो एक्सेस इलेक्ट्रॉन लेके हमारी बॉडी एक मेटल नॉब को टच करने जाती है तो मेटल कंडक्टर को देखते ही हमारी बॉडी बोलती है कि यार फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन है ये मेटल में ट्रांसफर कर देते हैं। तो वो मेटल में एकदम से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं और हमें लगता है शॉक। सो इस पूरे ही केस से अभी तक मैं हमेशा जब से आपको ये चैप्टर पढ़ाना शुरू हुई हूँ पिछले 10 मिनट से, मैं बस यही बोल रही हूँ कि चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही हैं, चार्ज जो है ट्रांसफ़र हो रहा है। कहीं भी मैंने ये नहीं बोला कि कारपेट ने आपकी बॉडी में एक चार्ज बना दिया नया, नहीं, कारपेट ने फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपकी बॉडी को ट्रांसफ़र कर दिए, फिर बाद में जाके आपने डोर नॉब पे ट्रांसफ़र कर दिए, मेटल नॉब पे ट्रांसफ़र कर दिए, लेकिन आपने कोई चार्ज बनाया नहीं है। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब कि चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। फॉर एग्जाम्पल नेगेटिव चार्ज क्या है, चल क्यों नहीं रहे हो तुम? फॉर एग्जाम्पल नेगेटिव चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड और गेट्स ट्रांसफर्ड when we gets transferred to our shoes। अभी जो पहले example पढ़ा बस उसी को लिखवा रही हूँ। Negative charge gets transferred to our shoes when we rub our feet or rub our shoes on a carpet। ठीक है, समझ आया? चलो इलेक्ट्रिक करंट पे आए, उससे पहले हम थोड़ा सा समझते हैं इलेक्ट्रिसिटी एक फिनोमेना होता है। वो इलेक्ट्रिसिटी का फिनोमेना जो है आपका इलेक्ट्रिक करंट की वजह से होता है। करंट जो है फ्लो स्टेट में भी हो सकता है, स्टैटिक में भी हो सकता है, उसका डिफरेंस आपको मुझे बताना है। करंट फ्लो क्यों होता है? करंट जो है एक तरीके से पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो क्योंकि करंट चार्ज पे डिपेंडेंट होता है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज भी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। सॉरी, इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हो सकता, चार्ज बोल रही थी मैं तब से। तो हमने ये देखा कि चार्ज के फ्लो की वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट होता है और उसी फिनोमेना को इलेक्ट्रिसिटी बोलते हो, और चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। एक प्रोटॉन या एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसे एलिमेंट्री चार्ज बोला जाता है। अगर किसी मटेरियल का आपको चार्ज कैलकुलेट करना है, ऑल यू हैव टू डू इज उसमें पता लगा लो कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन है, उसे एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उसे मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आ जाएगा। इस फॉर्मूले को बोला जाता है क्यू इज इक्वल टू एन ई। अब चलते हैं इलेक्ट्रिक करंट की तरफ। ये जो पूरा मूवमेंट हुआ ना, जब हमने एक कंडक्टर जिसमें कि एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स थे, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, वो हैप हैजर्ड मूवमेंट कर रहे थे, जब हमने उस पर कोई फोर्स लगाया बच्चा किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जब हमने उस पर इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक फोर्स लगाया एक तार पे यानी कि एक कंडक्टर पे, तो जो मूवमेंट हुआ, जो फ्लो हुआ आपका इलेक्ट्रॉन का, उसे आप बोलते हो इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल, इलेक्ट्रिक करंट इज द मूवमेंट ऑफ द चार्ज इन अ वायर, वायर की जगह कंडक्टर भी लिख सकते हो, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। राइट, जब आप उसको फोर्स लगाना बंद कर दोगे तो वो फ्लो जो है वो कंटिन्यूअस नहीं रहेगा। जब तक वो फोर्स लग रहा है तब तक वो चार्ज का फ्लो रहेगा। राइट, इसे डिनोट करते हैं हम विद अ सिंबल ऑफ आई, कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, उसको स्मॉल क्यू से करते थे। ध्यान देना, इसका यूनिट होता है बच्चा 1 एम्पेयर। कितना यूनिट होता है? 1 एम्पेयर। अब देखो, आपको डेफिनेशन से ही समझ आ रहा है, अगर आपको डेफिनेशन क्लियर है ना दिमाग में कि चार्ज का जब एक टाइम पीरियड के लिए मूवमेंट होता है तो उसे हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो आप यहां से फॉर्मूला बना लेंगे दैट आई इज इक्वल टू, हाय थक गए, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, है ना?
I is equal to Q upon T. Q किस में होता है बच्चा? Q होता है कूलम्स में, और T होता है आपका सेकेंड्स में. तो अगर कोई आपसे वन एम्पेयर की डेफिनेशन पूछे तो बोल देना इट इज द अमाउंट, इट इज द मूवमेंट ऑफ वन कूलम्ब ऑफ चार्ज ओवर अ पीरियड ऑफ वन सेकेंड. सिंपल यहीं से डेफिनेशन बना लोगे आप. अब इसमें हमारे न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक और चीज इंपॉर्टेंट है तो वो भी लिखवा देती हूँ. वन मिली एम्पेयर इज इक्वल टू 10^-3 एम्पेयर. वन माइक्रो एम्पेयर इज इक्वल टू 10^-6 एम्पेयर. नीचे जो पीडीएफ मिलेगी उसमें स्क्रीनशॉट नहीं मिलेगा, सो इफ यू वॉन्ट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन. आया समझ? चलिए अब एक न्यूमरिकल लगा ले फिर आगे चलते हैं. हमें इलेक्ट्रिक चार्ज भी समझ आ गया, इलेक्ट्रिक करंट भी समझ आ गया, इलेक्ट्रिसिटी भी एक फिनोमेना है जिसमें ये सारी चीजें हो रही हैं वो भी समझ आया. छोटा सा एक न्यूमरिकल लगाते हैं. करंट ऑफ 100 एम्पेयर, करंट दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक करंट दिया हुआ है, तो आई दिया हुआ है हमें 100 एम्पेयर, और टाइम दिया हुआ है. टाइम कितना दिया हुआ है? 2 मिनट्स. लेकिन हमें चाहिए कितने में टाइम? सेकेंड्स में चाहिए. तो टाइम हमें दिया हुआ है 2 मिनट्स. 2 मिनट्स इज इक्वल टू 120 सेकेंड्स. यही बच्चे यहीं पे गलती कर देते हैं, वो 2 से पूरी कैलकुलेशन कर देते हैं, नंबर कट जाते हैं. फिर पूछा हुआ है कि कितना चार्ज जो है फ्लो करेगा सर्किट में. आई का फॉर्मूला क्या है? आई का फॉर्मूला है क्यू अपॉन टी. सो यहाँ से क्यू का फॉर्मूला क्या आया? आई इंटू टी, यानी कि 100 into 120 इज योर आंसर. इतना आया समझ? सिंपल, हमने सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यूज लगाई हैं, बस इसे हमने कन्वर्ट कर दिया था सेकंड्स में. एक और क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा, वो पहले वाले फॉर्मूले के ऊपर है, इलेक्ट्रिक चार्ज वाले फॉर्मूले के ऊपर है. क्वेश्चन कह रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक मटेरियल दिया हुआ है आपको, एक कंडक्टर दिया हुआ है, उसमें 6 × 10^46 इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास, और 10 सेकंड के लिए आपने उस पर फोर्स लगाया है, एक्सटर्नल पावर सप्लाई लगाया है. तो आप बताओ कि उस पर कितना करंट जो है दौड़ेगा. करंट पूछा है, आई पूछा है, पहले हम क्यू कैलकुलेट कर ले. क्यू क्या होगा बच्चा? यहाँ पे क्यू होगा एन ई, यानी कि 19 ही था ना या 18 था? देखो मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ, इसीलिए रट्टा मारते हैं ये सारी चीज़ों का. -19 था. हाँ, तो Q आ गया ये. उसके बाद I क्या निकालोगे आप? Q अपॉन T. तो यानी कि 6 × 10^46 × 1.6 × 10^-19 लिखा है ये, अपॉन 10. सेकेंड्स में दिया है, उसे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है. ये काट दिया आपने, यहाँ पे आया 45 है ये. आंसर आएगा आई इज इक्वल टू 1.6 × 6 कितना होता है? 9.6 होता है. देखो मेरी कैलकुलेशन वीक है, बट आंसर ऐसे ही आएगा. 9.6 × 10^45 में से 26 गए, 26 तो 9.6 × 10^26 नॉट माइनस 26 इज योर आंसर. क्या लगाएंगे यहाँ पे? एम्पेयर लगा देंगे, क्योंकि हमसे इलेक्ट्रिक करंट पूछा है. ठीक है, नेक्स्ट. अब ये सारा जो कार्यक्रम हो रहा है, ये ऑब्वियसली ये तो हमने थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा, लेकिन जब हम फिजिक्स में, जब हम अपने आसपास सर्किट में ये सारा कार्यक्रम देखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को या इलेक्ट्रिक चार्ज या करंट को फ्लो करते हुए देखते हैं, तो इसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं? इसके लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए. आपको सबसे पहले कंडक्टर चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास मटीरियल इंसुलेटर होगा तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी. फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी तो जितना मर्जी फोर्स लगा लो, डायरेक्शन ही नहीं दे पाओगे ना इलेक्ट्रॉन्स को, डायरेक्शन ही नहीं दे पाओगे तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा. तो सबसे पहले आपको कंडक्टर चाहिए. उसके बाद आपको एनर्जी सोर्स चाहिए. एनर्जी सोर्स क्या हो सकता है? या तो एक सेल हो सकता है बच्चा, या एक बैटरी हो सकती है. सेल सिंगुलर यूनिट होती है, खूब सारे सेल को मिला के, 2 or more than 2 cells व्हेन दे कंबाइन दे मेक अ बैटरी. बैटरी में ज्यादा ऑब्वियसली पावर है, सेल में थोड़ी कम है, बिकॉज सेल इज जस्ट वन सिंगल एंटिटी. स्विच भी होना बहुत जरूरी है. स्विच जब इस सिचुएशन में होता है, आगे मैं बताऊंगी किसे डिनोट कैसे करते हैं, स्विच जब इस सिचुएशन में होता है तो इसे बोलते हो ओपन स्विच. और स्विच जब इस सिचुएशन में होता है
तो इसे बोलते हैं क्लोज्ड स्विच। भाई जब बत्ती जलानी होती है रूम की या पंखा चलाना होता है तो स्विच को ऑन करना पड़ता है ना, तो स्विच को जब हम ऑन करते हैं तो ये पूरा करंट फ्लो करता है क्योंकि सर्किट पूरा होता है। तो यही सारी चीज़ें अभी चाहिए होगी। तो स्विच क्यों चाहिए सर्किट पूरा करने के लिए, वो तो समझ आ गया। कंडक्टर क्यों चाहिए, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है जो इवेंचुअली जाके इलेक्ट्रिक करंट को कॉन्स्टिट्यूट करेगा। एनर्जी सोर्स क्यों चाहिए बच्चा, एनर्जी सोर्स चाहिए क्योंकि जो फोर्स की बात हो रही थी ना अब तक, जिस फोर्स की अब तक बात हो रही थी, वो फोर्स जो है वो मल्टी डायरेक्शनल या डायरेक्शनलेस इलेक्ट्रॉन्स पे वो जो फोर्स है उन्हें एक डायरेक्शन में लेके चलने वाला, वो फोर्स आपका बैटरी या सेल प्रोवाइड करते हैं, जो आगे आपको पता चलेगा कि जो वोल्टेज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वोल्टेज के नाम से, दैट इज द फोर्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। एनी वे, बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस, बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट पावर या हीट, ये सारी चीज़ें थोड़े डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, इससे पहले एक बहुत डाउट आता है बच्चों को कि मैम जब इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के एक जगह से दूसरी जगह जाने की वजह से इलेक्ट्रिक चार्ज कॉन्स्टिट्यूट होता है, तो जब हम सर्किट पढ़ते हैं तो उसमें सर्किट में चार्ज की या इलेक्ट्रिक चार्ज की जो डायरेक्शन है वो हम पॉजिटिव से नेगेटिव क्यों लेते हैं। बहुत लेजिट डाउट है, एनसीईआरटी में इसका आंसर दिया है लेकिन अधूरा दिया है, मैं पूरा कर देती हूँ कि देखो जब आपका इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्कवर हुआ था ना, तब प्रोटॉन डिस्कवर हो गए थे लेकिन तब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुए थे। तो कन्वेंशनली जब से हमने इलेक्ट्रिक चार्ज को पढ़ना शुरू किया, इलेक्ट्रिसिटी की स्ट्रीम बनी, साइंटिस्ट ने बहुत सारी रिसर्च की, तो उन्होंने अज्यूम कर लिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सब थे नहीं, उन्होंने अज्यूम कर लिया कि चार्ज जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव में फ्लो करता है। बाद में जब इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर हुए और ज़्यादा स्टडी हुई तो हमें पता चला कि यार चार्ज तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से आता है, लेकिन तब हमने ये जो कन्वेंशन था अपना पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन रखने वाला सर्किट में, वो चेंज नहीं किया, क्योंकि उसे चेंज करते तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाती। पूरी फिजिक्स ऑलरेडी बहुत बेस्ड हो चुकी थी इसी बात पे कि पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज ट्रैवल करता है, और बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा इस बात से। कन्वेंशनल फ्लो को हम आज भी कंसिडर करते हैं, जब आप आगे सर्किट बनाना सीखोगे तो उसमें आप देखोगे कि हम डिनोट हमेशा यही डायरेक्शन करते हैं, जिसमें कि रियल डायरेक्शन जो है ये है, नेगेटिव से पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, जब तक कॉन्टिन्यूस फ्लो हो रहा है ना करंट का या चार्ज का, तब तक आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि डायरेक्शन क्या है, क्योंकि सारा मामला है कंटिन्यूटी ऑफ द फ्लो। ठीक है, चलो अब चलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस पे। इससे पहले कि मैं आपको एक डेफिनेशन का रट्टा लगाने को बोलूँ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, मैं बेसिक चीज़ों की बात करूँगी, ऐसी चीज़ों की बात करूँगी जो आपको ऑलरेडी आती हैं। उन चीज़ों का नाम है पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक फील्ड। दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, अगर उसको पाँच मिनट दे के आपने समझ लिया तो फिर कभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है ऐसे सवाल आपके दिमाग में नहीं आएंगे। सबसे पहले हम चलते हैं पोटेंशियल एनर्जी पे। बचपन में पढ़ के आए हो फिजिक्स में और भी लेक्चर्स में, क्लास में पढ़ के आए हो कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। एनर्जी के भी क्रिएटेड नॉर भी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आप कन्वर्ट कर पाते हो। पोटेंशियल एनर्जी होती है जो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन की वजह से होती है बच्चा, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन की। अब जब मैं वर्ड पोजीशन बोल रही हूं तो मतलब मैं किसी चीज को कंपेयर कर रही हूं, मतलब मैं बोलूं मेरा घर जो है मेरे दोस्त के घर से 2 किलोमीटर दूर है, तो दोस्त के घर को मैंने पॉइंट ऑफ रेफरेंस रखा ना। सो व्हेनेवर यू टॉक अबाउट पोजीशन यू टेक अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस इन योर माइंड। पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आप किसी भी तरीके की पोटेंशियल एनर्जी की बात करो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, पर आपके पास एक मीन पोजिशन होनी पड़ती है जिससे आप पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करते हो, राइट? यहाँ पे आपको दिख रहा है गाड़ी पहाड़ी पे खड़ी है। अब गाड़ी पहाड़ी पे खड़ी है और जो पहाड़ी से जब ये नीचे आएगी तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में, यानी स्पीड की वजह से काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। ये किस तरीके की पोटेंशियल एनर्जी दिखाई है यहाँ पे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दिखाई है। अच्छा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन। पर पोजीशन कैलकुलेट कहां से हो रही है? पोजीशन कैलकुलेट हो रही है अबव द अर्थ सरफेस। तो जब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं तो हम उसमें अज्यूम करते हैं, मार्क माई वर्ड्स, हम उसमें अज्यूम करते हैं कि अर्थ के सरफेस पे जितनी चीजें पड़ी हुई हैं, अर्थ के सरफेस का मतलब ये नहीं है कि सेकंड फ्लोर पे पड़ा हुआ है, नहीं नहीं, अर्थ के सरफेस पे जितनी चीज़ें पड़ी हुई हैं उन सब का पोटेंशियल एनर्जी जो है ज़ीरो है। क्या है? ज़ीरो है। और अर्थ क्या करती है? सारी चीज़ों पे ग्रेविटी अप्लाई करती है। तो जब आप उस ग्रेविटी के अगेंस्ट कोई चीज़ उठाते हो, मैंने ये ग्रेविटी के अगेंस्ट ये चीज़ उठा के टेबल पे रख दी है ना, तो मैंने कुछ काम किया,
उस ग्रेविटी के अगेंस्ट, क्योंकि ग्रेविटी इज अ फोर्स, ग्रेविटी जो फोर्स लगा रही है उसके अगेंस्ट जाने के लिए आपको कुछ एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी, एनर्जी करनी पड़ेगी, वर्क करना पड़ेगा. एनर्जी क्या होती है? एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, नथिंग बट एबिलिटी टू डू वर्क. काम करने के लिए जो फोर्स चाहिए आपको, एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क. तो मैंने यहाँ पे एनर्जी स्पेंड की अगर मुझे इस ब्रिक को यहाँ से उठाना है तो, क्योंकि ग्रेविटी अपना काम कर रही है, तो ये जो एनर्जी मैं स्पेंड कर रही हूँ इस ईंट को ऊपर उठाने के लिए, ये एनर्जी कहाँ जाएगी? खत्म हो जाएगी क्या? नो, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. तो ये एनर्जी इस ब्रिक में स्टोर होगी. तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यही एनर्जी होती है जब अर्थ के सरफेस से कोई भी चीज़ वर्टिकली ऊपर रखी जाती है या वर्टिकली ऊपर होती है तो उस पर लगता है एक पर्टिकुलर पोटेंशियल एनर्जी, उसमें एक स्टोर होती है पर्टिकुलर पोटेंशियल एनर्जी. और इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं? इसे कैलकुलेट करते हैं एक सिंपल से फॉर्मूले के साथ जिसका नाम है MGH. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द मास एंड द ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट विच इज़ अ कॉन्स्टेंट एंड ऑल्सो योर हाइट. कितनी हाइट पे लेके गए हो? ग्रेविटी से जितनी हाइट पे लेके जाओगे उतना ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, उतनी ज़्यादा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, राइट? तो दिस इज अ सिंपल फॉर्मूला. तो ये कॉन्सेप्ट समझ आया पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? ये क्यों समझ रहे हैं हम पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? क्योंकि अभी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पे आएंगे. चलो उससे पहले हम दूसरा और फिनोमेना पढ़ लेते हैं. उस दूसरे फिनोमेना का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड. बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जब आप गुस्से में होते हो तो आपके आसपास कोई आना नहीं चाहता है क्योंकि आपका जो ऑरा होता है ना वो काफ़ी गुस्से वाला होता है. जब आप खुश होते हो तो आपका जो ऑरा होता है वो काफ़ी खुशी खुशी वाला होता है. तो सब हम ह्यूमन बींग्स की भी अपनी एक एनर्जी होती है, एक ऑरा होता है. चलो ये तो फिलोसफिकल बातें हो गई, पर फिजिक्स के टर्म्स में हम बोलें तो जब भी एक ऑब्जेक्ट चार्ज होता है, चाहे वो पॉजिटिवली है चाहे वो नेगेटिवली है, जब भी एक ऑब्जेक्ट चार्ज होता है तो उसके आसपास एक फोर्स की फील्ड डेवलप हो जाती है, राइट? उसके चार्ज की वजह से उसके आसपास एक फोर्स की फील्ड डेवलप हो जाती है और इसी फील्ड को बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड. अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले कॉन्सेप्ट में एक और अजम्पशन है. फिजिक्स साइंस इज बेस्ड अपॉन अजम्पशन, इवन फिजिक्स इवन केमिस्ट्री. अब इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें जो अजम्पशन याद करनी है वो ये है कि हम इमेजिन करते हैं एक इमेजिनरी पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल को. अर्थ के स्फीयर में कहीं पे भी आप एक इमेजिनरी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को इमेजिन कर लो. मान लो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपके पास जो इलेक्ट्रिक जो पार्टिकल पड़ा है, जो मैटर पड़ा है, वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, ठीक है? अज्यूम क्या कर रहे हैं हम? एक इमेजिनरी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल अज्यूम कर रहे हैं. यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट चार्ज पड़ा हुआ है जो पॉजिटिवली चार्ज है, लेकिन अभी आपका पॉइंट ऑफ रेफरेंस है कि आपके पास तो नेगेटिव चार्ज है. हमने क्या पढ़ा है कि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट. तो इसकी जो फील्ड लाइन्स होंगी, इस नेगेटिव चार्ज की जो फील्ड लाइन्स होंगी वो आउटवर्ड्स होंगी या वो इनवर्ड्स होंगी? इनवर्ड्स होंगी ना, वो उसे अट्रैक्ट करेगा, वो बोलेगा पॉजिटिव चार्ज मेरे पास आके बैठो, है ना? तो इसकी फील्ड लाइन्स जो हैं इनवर्ड होगी. राइट? ऑन द अदर हैंड अगर आप कंसिडर कर रहे होते एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, और आपकी ये अज्यूम्ड इमेजिनरी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इससे अट्रैक्ट होता कि रिपेल होता? रिपेल होता. तो इसकी फील्ड लाइंस अंदर की तरफ होती है या बाहर की तरफ होती है? अट्रैक्ट करोगी तो अंदर की तरफ होगी ना, सेंटर की तरफ, लेकिन अभी ये बाहर की तरफ होती. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स के लिए हमेशा बाहर की तरफ होती हैं और इलेक्ट्रिकली नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स के लिए हमेशा अंदर की तरफ होती हैं. क्यों? क्योंकि जो हम इमेजिन करते हैं वो हमेशा एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल करते हैं, कभी भी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इमेजिन नहीं करते. दिस इज एन अजम्पशन इन फिजिक्स, ठीक है? सो ये दो कॉन्सेप्ट समझ आए हमें, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी भी समझ आया हमें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फील्ड लाइंस भी समझ आया. अब यहीं से आप निकालो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का आइडिया. जब भी आप किसी इमेजिनरी पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी के पॉइंट से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने के लिए मेहनत करते हो, उस मेहनत के लिए जो एनर्जी स्पेंड होती है वो उस चार्ज में स्टोर हो जाती है एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. सो द एनर्जी दैट यू स्पेंड टू मूव अ पॉजिटिव चार्ज, हम अज्यूम हमेशा पॉजिटिव चार्ज करते हैं, टू मूव अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इन योर सर्किट और टू एनी पॉइंट इन योर कंसिडरेशन, दैट एनर्जी दैट यू स्पेंड इन ब्रिंगिंग इट, वो जो एनर्जी आप लगाते हो उसे लाने में, वो उसमें स्टोर हो जाती है एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
एनर्जी, राइट? सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नथिंग, जो आपने मेहनत की, जो आपने काम किया, जो आपने एनर्जी लगाई, उस पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने के लिए, उसी मेहनत को, उसी वर्क डन को बोला जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये भी लॉजिक है। आधी बाल्टी पानी लाओगे कम मेहनत लगेगी, पूरी बाल्टी पानी लाओगे ज़्यादा मेहनत लगेगी, दो बाल्टी उठा के लाओगे टू बकेट्स ऑफ वाटर और ज़्यादा मेहनत लगेगी। तो ऑब्वियसली अगर आप एक चार्ज के लिए, आप ऐसे तो कंसिडर नहीं कर सकते कि सेम ही अमाउंट वर्क करना पड़ेगा ए पर्टिकुलर चार्ज के लिए, मेहनत सेम ही लगेगी, ऐसा तो नहीं है। तो वो चार्ज पे भी डिपेंड करता है। वोल्टेज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज एंड वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वर्क डन। और इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को या वोल्टेज को आप कैसे डिनोट करते हो? आप वी से डिनोट करते हो, कैपिटल वी, स्मॉल वी नहीं, कैपिटल वी से डिनोट करते हैं। आप यहाँ देख रहे हो फॉर्मूले में ई भी लगा हुआ है, क्योंकि सेम ही बात है ना। अभी हमने पीछे पढ़ा कि एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, तो एनर्जी बोलो, वर्क डन बोलो, एक ही बात है। तो वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू भी लिख सकते हो, वी इज इक्वल टू ई बाई क्यू भी लिख सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके सामने जो पेपर में न्यूमरिकल आएगा उसमें वर्क डन दिया हुआ है कि एनर्जी दी हुई है। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वन मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। स्केलर क्वांटिटी होती है ये भी वन मार्क का क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी। इसके साथ साथ इन्हें जिन्होंने डिस्कवर किया था उनका नाम था एलेजांड्रो वोल्टा, उन्हीं के नाम पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ये वोल्ट एज अ डिनोशन, एज एन SI यूनिट एंड एज अ सिंबल पड़ा है। दिस SI यूनिट इज वोल्ट, सिंबल इज वी, बोथ ऑन द नेम ऑफ एलेजांड्रो वोल्टा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ आया? मैम फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? मैम बहुत सारा एक साथ पढ़ा रहे हो, समझ नहीं आ रहा। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आप पहले पॉइंट ए पे लाए, है ना, फिर उसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को फिर आप पॉइंट बी पे लेके आ गए, तो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों का सेम तो नहीं रहेगा, दोनों में कोई ना कोई डिफरेंस होगा। इसी डिफरेंस को आप बोलते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सो व्हेन यू ईपीडी यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज बिटवीन द टू पॉइंट्स, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, बिटवीन द टू पॉइंट्स इज डिफाइंड एज वर्क डन। जितना काम आपने किया ए पे लाने पे, फिर आपने जितना काम किया बी पे लाने पे, उनके बीच का जो डिफरेंस है उसे ही आप बोलते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसका फॉर्मूला कोई नया फॉर्मूला नहीं है, पुराने वाले फॉर्मूले को ही आपको मॉडिफाई करना है, पुराने वाले फॉर्मूले को ही बस मॉडिफाई करना है। कैसे करना है मैं बताती हूँ, रुको। अभी हमने पीछे पढ़ा, मेरा तो ना, मेरे को तो ये यूज़ ही करना नहीं आता। तुम बोलते हो बड़े बोर्ड पे पढ़ाओ, बड़े बोर्ड पे पढ़ाओ, तुम्हारे टीचर को बड़ा बोर्ड यूज़ करना आता नहीं है बेटा। चलो कोई नहीं, देखो फिर से गंदा कर दिया। हाँ, V इज इक्वल टू, ये अभी पहले पढ़ के आए हो, पढ़ के आए हो यहाँ पे, चलो बड़ा क्यों लगा दिया यहाँ पे, पढ़ के आए हो चार्ज। अब इस चार्ज को, अच्छा बड़ा क्यों होता है क्या? दिस इज चार्ज, दिस इज वर्क डन और एनर्जी स्पेंट, राइट? अब डेल्टा वी ले लो इसे, डेल्टा वी क्यों? क्योंकि डिफरेंस निकाल सकते हो। दो पॉइंट की बात कर रहे हो तो पॉइंट टू में से पॉइंट वन का वी माइनस करोगे, पोटेंशियल डिफरेंस माइनस करोगे, तो डेल्टा वी की वैल्यू आ जाएगी। डेल्टा वी इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन द चार्ज। ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, चलो क्वेश्चन ही कर लेते, हमारी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होगी। पहला क्वेश्चन है कि कितना काम आपने किया है अगर आपने 5 कूलम चार्ज को टू पॉइंट्स मूव किया है, उन टू पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। दो पॉइंट्स के बीच में मूव किया आपने, लेकिन उन दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस ही दिया हुआ है। पोटेंशियल डिफरेंस इज 10 V। तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q एंड V इज गिवन एज 10 V एंड चार्ज इज गिवन एज 5 C। तो what would be the work done? Work done would be 50। और work done की क्या होती है? एनर्जी। और work done की क्या है आपकी ये SI यूनिट? जूल्स, राइट? पीछे देखो यहाँ पे लिखा हुआ था, मैंने बताया नहीं, बट दिस इज योर, अच्छा नहीं लिखा है, जूल्स है। मतलब क्यू की तो कूलम है, वी की वोल्ट है, work done की जूल्स है। एक और हम लोग न्यूमरिकल करते हैं, ये न्यूमरिकल कह रहा है कि चार्ज है आपके पास 10 कूलम का, 10 कूलम के चार्ज को आपने 200 जूल का काम किया, उस पर वर्क डन किया आपने 200 जूल्स। चलो ठीक है, बहुत मेहनत कर ली। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्मिनल्स, ये भी सिंपल है। वी निकालना है आपको, वी वुड बी 200 अपॉन 10,
राइट, इट वुड बी 20 वोल्ट। सिंपल, कोई एक आधा कैलकुलेशन मिस्टेक में गलती से कर दूं मुझे कमेंट्स में बता देना। उई ये क्या हो गया, आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 4 कूलम्स। 4 कूलम का चार्ज है, लिख लेते हैं, चार्ज इज 4 कूलम्स। पहला है 220 वोल्ट पे अप्लाई, फिर आप 230 वोल्ट पे लेगा। आप दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया हुआ, आप दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा 230 माइनस 220, है ना, ये होगा पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि 10 वोल्ट इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन 4, एंड वर्क वुड बी इज इक्वल टू 40 जूल्स। 3 ही है, ये जूल्स है, सिंपल। नेक्स्ट, तो ये सब हमने पढ़ा, ये सारे के सारे कार्यक्रम होते हैं बच्चा इलेक्ट्रिक सर्किट में। इलेक्ट्रिक सर्किट एक बेसिकली क्लोज्ड और कॉन्टिन्यूस पाथ होता है, क्योंकि हम फ्लो इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की बात नहीं कर रहे हैं। फ्लो इलेक्ट्रिसिटी में एक कॉन्टिन्यूस पाथ होना बहुत ज़रूरी है। अगर उस कॉन्टिन्यूस पाथ में कहीं पर भी ब्रेक आएगा तो इलेक्ट्रिक सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा। और इसी बेसिस पे हम सर्किट को कम्प्लीट तब बोलते हैं जब उसकी जो की है वो क्लोज्ड होती है, जब उसकी की ऐसे डिनोटेड होती है, जब उसकी की ओपन होती है, स्विच ओपन होता है, की बोलो स्विच बोलो एक ही बात है, तब हम बोलते हैं कि सर्किट ओपन है। ओपन सर्किट में इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं फ्लो कर रहा होता, क्लोज सर्किट में फ्लो कर रहा होता है। तो हम इसके कुछ सिंबल्स पढ़ लेते हैं जो आगे जब हम इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना सीखेंगे तो हमारे काम आएंगे। सबसे पहले है बल्ब। बल्ब को हम डिनोट करते हैं ऐसे, ठीक है। उसके बाद है रेसिस्टर, आगे पता चलेगा रेसिस्टर क्या होता है। रेसिस्टर को हम डिनोट करते हैं ऐसे। फिर कुछ ऐसे भी रेसिस्टर होते हैं जो अपना रेसिस्टेंस चेंज करते रहते हैं, उसे हम बोलते हैं वेरिएबल रेसिस्टर्स। उसको आप डिनोट करते हो ऐसे और ऊपर एक एरो लगा देते हो, ठीक है। उसके बाद क्या बचा, सेल। सेल को आप डिनोट करते हो इस वाले को पॉजिटिव, इस वाले को नेगेटिव। बैटरी, बैटरी में क्या होते हैं, मोर देन वन सेल, है ना। कितनी भी लंबी बैटरी बना लो, दो बनाना दो बना लो, तीन बनाना तो तीन बना लो, एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, कनेक्शन भी दिखाना पड़ेगा ना सेल में, वरना सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। सो दिस इज योर बैटरी। और क्या बचा, हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अपन मेजर करते हैं, जैसे बैरोमीटर होता है ना प्रेशर वगैरह के लिए, वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए जो डिवाइस होती है उस डिवाइस को बोलते हो आप वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर बनता है कुछ ऐसे सर्किट में, दिस इज योर वोल्ट मीटर। और करंट के लिए जो डिवाइस होती है कि कितना करंट फ्लो कर रहा है, उसको आप डिनोट करते हो ऐसे। इसके अलावा की होती है, की या स्विच, उसको आप डिनोट करते हो ओपन है तो ऐसे, क्लोज है तो ऐसे, राइट। जॉइंट जब होता है कहीं पे सर्किट में, कहीं जॉइंट होता है तो उसे आप ऐसे डिनोट करते हो, दिस इज योर जॉइंट। और कुछ रह रहा है क्या, रुको मैं एक बार देख लूँ एनसीईआरटी वाले टॉपिक में से, जो हम एनसीईआरटी में पढ़ते हैं उसमें से कुछ रह तो नहीं रहा। नहीं जी, आगे चलते हैं। अब ओपन सर्किट भी समझ आ गया, क्लोज सर्किट भी समझ आ गया। नेक्स्ट इज ओम्स लॉ। अभी तक जो पढ़ा है ना वही है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्योंकि हमने एक्सप्लेनेशन ऐसी पढ़ी है कि उसमें ओम्स लॉ हमें अच्छे से रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। सिंपल लॉजिक, जब हम बोल रहे हैं कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मल्टी डायरेक्शनल होते हैं, डायरेक्शन लेस होते हैं, और हमें उस पर एक इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फोर्स लगाना पड़ता है उन्हें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देने के लिए, तो जितना फोर्स लगाओगे उतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, ये तो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। ओम्स भाई साहब वही बोल के गए थे कि इलेक्ट्रिक करंट जब एक कंडक्टर में से फ्लो करता है तो वो डिपेंड करता है कि आप उस कंडक्टर के अराउंड या उस कंडक्टर के अक्रॉस, रादर अक्रॉस इज अ बेटर वर्ड, के अक्रॉस आप कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना प्रेशर क्रिएट होगा इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, फ्री फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स के अंदर करंट को फ्लो कराने का। सो बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, ये बोलता है आपका ओम्स लॉ। और जब हम इसको प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लगाते हैं, एक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, तो हमें मिलता है V इज इक्वल टू आई आर। और ये R क्या होता है बच्चा, ये R होता है रेसिस्टेंस। यहां से आप I का भी फॉर्मूला निकाल सकते हो, I का फॉर्मूला हो गया V अपॉन R।
आर का फॉर्मूला हो गया वी अपॉन आई, ठीक है। ये तीनों अगेन रट्टा मारने की बात नहीं है, आपको सिर्फ ये आता है तो आप ये तुरंत ही पेपर में निकाल लोगे, बट रट्टा भी मारना चाहते हो ताकि न्यूमेरिकल जल्दी सॉल्व हो जाए तो वो भी कर सकते हो। दिस इज योर ओम्स लॉ। नाउ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ में हमने पीछे पढ़ा है ये आर क्या होता है बच्चा, रेसिस्टेंस होता है। अभी रेसिस्टेंस क्या बात है, रेसिस्टेंस इंग्लिश का शब्द है। रेसिस्टेंस का मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना। अगर आप किसी दोस्त को धक्का दे रहे हो और वो अपना पैर ज़मीन से डट के खड़े हुए हैं, हिल ही नहीं रहे हैं, तो मतलब वो आपके फोर्स को रेसिस्ट कर रहे हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल सर्किट में आप कोई भी मटीरियल लगा दो, आप कंडक्टर लगा दो, आप क्या कहते हैं इंसुलेटर लगा दो, दोनों ही जगह पे कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होती ही है। बोलोगे मैम कंडक्टर में तो फ्री फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स जरूर होते हैं, लेकिन कंडक्टर के भी जो फ्री फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टोटली कंप्लीटली फ्री नहीं होते हैं, उनके भी एटम्स के बीच में जो है अट्रैक्शन आ रहा होता है और वो एटम्स का अट्रैक्शन उन फ्री फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रोक रहा होता है। इंसुलेटर्स में ये फ्लो बहुत ज्यादा होता है, तो एक मटेरियल में रेसिस्टेंस तो होगा ही होगा। अगर मटेरियल में रेसिस्टेंस बहुत कम है, वेरी लो रेसिस्टेंस, मॉडरेट रेसिस्टेंस, ग्रेट रेसिस्टेंस, राइट, अगर बहुत कम है रेसिस्टेंस तो उसे आप बोलोगे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप बोलोगे मॉडरेट रेसिस्टेंस है किसी चीज़ में तो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर किसी चीज़ में अच्छा रेसिस्टेंस है तो उसे आप बोलोगे इंसुलेटर, क्योंकि रेसिस्टेंस का मतलब है किसी चीज़ को रोकना। और जब हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात कर रहे हैं, तो किसी भी मटेरियल का रेसिस्टेंस उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो होने को रोकता रहता है। कभी कभी ये रेसिस्टेंस हमारे काम भी आता है, हम एक्चुअली प्रैक्टिकल पर्पस के लिए जब हम सर्किट बनाते हैं, हाउस होल्ड में सर्किट बनाते हैं या फिजिक्स लैब में सर्किट बनाते हैं, तो उसमें हम वेरिएबल रेसिस्टेंस वाला मटेरियल यूज़ करते हैं जो डिपेंडिंग अपॉन द फ्लो ऑफ यू नो मतलब जो रेसिस्टेंस जो है बदल सकता है। रेसिस्टेंस बदलना हमारे फ़ायदे में क्यों है, खुद सोच के देखो। हम सर्किट में नॉर्मल रेसिस्टर की जगह वेरिएबल रेसिस्टेंस वाला कभी कभी क्यों यूज़ करते हैं। बाय द वे वेरिएबल रेसिस्टेंस वाली चीज़ों को रियोस्टैट बोला जाता है, ठीक है, रियोस्टैट क्यों यूज करते हैं, क्योंकि V इज इक्वल टू आई आर एंड R इज इक्वल टू V अपॉन I, राइट। तो जब रेसिस्टेंस बदलेगा तो I भी बदलेगा, और जब हम कभी चाहते हैं कि वो अपने सर्किट में करंट का फ्लो ऑल्टर करें, तब हम रेसिस्टेंस नॉर्मल रेसिस्टेंस की जगह वेरिएबल रियोस्टैट लगा देते हैं। तो फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस रेसिस्टर्स सच एज रियोस्टैट्स आर कनेक्टेड टू द सर्किट्स टू रेगुलेट द करंट, रियोस्टैट्स हैव वेरिएबल रेसिस्टेंस एंड देन दे इंपैक्ट द करंट बिकॉज ऑफ ओम्स लॉ। ये भी आया समझ, ओके। अब एक हमने ये देखा कि कंडक्टर में भी कुछ ना कुछ माइन्यूट रेसिस्टेंस तो होता है, बाकी आपका इसमें भी रेसिस्टेंस होता है, इंसुलेटर में तो अच्छा खासा रेसिस्टेंस होता है, लेकिन एक सामान में कितना रेसिस्टेंस है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता होगा, कुछ तो फैक्टर्स होंगे। चलो उन फैक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। पहला फैक्टर है बच्चा लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द मटीरियल लिख देती हूँ मैं, या कंडक्टर भी लिख सकते हो आप, मैंने यहाँ पे मटेरियल लिखा है क्योंकि इंसुलेटर की भी बात कर सकते हैं। लेंथ ऑफ द इंसुलेटर या लेंथ ऑफ द मटेरियल, तो जब कोई मटेरियल लंबा होगा तो उसकी रेसिस्टेंस उतनी ज़्यादा होगी क्योंकि उसमें उतने ज़्यादा एटम्स होंगे, जब उतने ज़्यादा एटम्स होंगे तो उतना ज़्यादा एटमिक अट्रैक्शन होगा, और एटमिक अट्रैक्शन ही तो रेसिस्टेंस का सबसे बड़ा रीज़न है, राइट। तो लेंथ ऑफ द मटीरियल इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस दैट मटीरियल विल हैव और दैट इंसुलेटर विल हैव। चलो दूसरा है एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। मटेरियल के एरिया से रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। आया समझ। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करें, हमें एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, उस प्रोपोर्शनली कांस्टेंट को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी। इन दोनों इक्वेशन को जब हम इक्वेट करते हैं तो हमें मिलता है R इज इक्वल टू फो, और रो बोला जाता है, ये क्या है, ये कहाँ से आया, जैसे V इज इक्वल टू आई आर में R लगाया था प्रोपोर्शनैलिटी के लिए, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की तरह, वैसे ही हमने यहाँ पे लगाया रो, जिससे बोला जाता है इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी। इलेक्ट्रिकल
रेसिस्टिविटी जो है एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, जिन मटेरियल की इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ज़्यादा होगी वो उतना अच्छा रेसिस्टर की तरह वर्क करेंगे, जिनकी रेसिस्टिविटी कम होगी वो उतना घटिया तरीके से रेसिस्टर की तरह वर्क करेंगे, राइट। और ये इसका क्या होता है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट होती है ओम मीटर, रेसिस्टिविटी की एसआई यूनिट होती है ओम मीटर। अभी इसी की वजह से आप देखते हो रेसिस्टिविटी, मैंने पढ़ा दिया, रेसिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ अ यूनिट लेंथ ऑफ अ यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। रटने की बातें नहीं है, वो फॉर्मूला पढ़ा है, उसी फॉर्मूला को आपने वर्ड्स में लिख दिया है। ओम मीटर इसकी यूनिट है। ओम मीटर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि रेसिस्टेंस की यूनिट जो है ओम होती है, रेसिस्टिविटी की यूनिट जो है ओम मीटर होती है, ठीक है। नाउ लेट्स लुक की रेसिस्टिविटी को इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी भी बोला जाता है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी बोला जाता है। ये हमारे काम आती है, क्योंकि अलग अलग मटीरियल की, लाइक आई सेड, अलग अलग रेसिस्टिविटी है, क्योंकि इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। तो कॉपर की रेसिस्टिविटी कम होती है, इसलिए उसे कंडक्टर की तरह यूज करते हो, तारे बनाने के लिए यूज करते हो। लेकिन टंगस्टन जैसे मटेरियल की रेसिस्टिविटी इतनी हाई होती है कि आप उसे बल्ब बनाने में यूज करते हो। क्यों इसे बल्ब बनाने में यूज करते हो, ये आगे हीट वाले टॉपिक में समझ आएगा। अभी के लिए समझ लो कि टंगस्टन बिकॉज ऑफ हाई रेसिस्टिविटी इज यूज एज अ फिलामेंट, एज अ फिलामेंट इन द बल्ब, एंड कॉपर ऑन द अदर हैंड बिकॉज ऑफ लो रेसिस्टिविटी एज यूज एज अ कंडक्टर लाइक अ वायर। नेक्स्ट, ओके, अब आ रहे हैं हम मिड ऑफ द चैप्टर के ऊपर, जहाँ पे हम पढ़ेंगे कि रेसिस्टेंस सीरीज में कैसे होते हैं और पैरेलल में कैसे होते हैं। देखो, प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए एक ही कंडक्टर तो आप यूज़ नहीं कर सकते जिसका थोड़ा सा ही रेसिस्टेंस हो। जब आप हाउसहोल्ड सर्किट्स देखते हो या बड़े बड़े सर्किट्स देखते हो, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं, बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं, मतलब कि उनका रेसिस्टेंस जो अलग अलग होगा। तो जब आप किन्हीं रेसिस्टर्स को एंड टू एंड जोड़ते हो, तब उसे बोला जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। एंड टू एंड जोड़ रहे हो आप, एक एंड के बाद एक रेसिस्टर खत्म हुआ, वहीं से दूसरा लगा दिया, फिर तीसरा लगा दिया, बीच में जॉइंट लगा के मे बी, ठीक है। तो एंड टू एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसमें, इस तरीके का दिखता है उसमें सर्किट। ये पॉजिटिव से, हम कन्वेंशनल फ्लो की बात कर रहे हैं, तो पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड को करंट फ्लो करेगा। अब इसमें क्या है ना, इसमें कैच है, इस तरीके के रेसिस्टर्स में बच्चा जो करंट है वो पूरे के पूरे सिस्टम के लिए सेम रहता है। आई क्या रहता है, आई इज सेम फॉर ऑल द रेसिस्टर्स, बट वी इज इक्वल टू आई आर, और आर तो हम बोल ही रहे हैं सबका अलग अलग है, आर वन आर टू आर थ्री। तो अगर आई सबके लिए सेम है सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो क्या बदलेगा आर के साथ, वी बदलेगा। तो वोल्टेज जो है यहाँ पे सबके लिए अलग रहती है, आर वन के लिए वी वन रहती है, आर टू के लिए वी टू रहती है, आर थ्री के लिए वी थ्री रहती है। यहीं से आप इक्वेशन बोल सकते हो, अगर मैं बोलूँ कि इस पूरे सर्किट का, इस पूरे सीरीज कॉम्बिनेशन का मुझे टोटल वोल्टेज बताओ, तो आप क्या बोलोगे, मैम ये तो सिंपल है, टोटल वी इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री। बट ओम्स लॉ क्या बोलता है, ओम्स लॉ बोलता है वी इज इक्वल टू आई आर, है ना। तो मैं यहां पे लिख सकती हूं टोटल आई अपॉन टोटल आर, आर आई टी आर टी, यानी कि टोटल करंट टोटल रेसिस्टेंस इज इक्वल टू, वन सेकेंड, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, आई तो सेम ही रहेगा, तो आई पे तो टोटल लिखने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे मैंने लिख दिया आर टी, है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री। आई को यहाँ पे कॉमन ले लो, आई आई कैंसिल हो गया, आपके पास क्या आया, द टोटल रेसिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। आपके न्यूमेरिकल पर्पसेस के लिए पूरी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। इस डेरिवेशन से ही आपको पता चल रहा होगा कि यार जो टोटल रेसिस्टेंस होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, वो इंडिविजुअल रेसिस्टर्स जो लगे होते हैं उनसे ज़्यादा ही होता है। क्योंकि जितना मर्जी R2 में शक 0.5 क्यों ना हो, 0.3 ओम क्यों ना हो, लेकिन वो हमेशा R1, मतलब R1 के साथ जब आप ऐड करोगे तो वो ज़्यादा ही हो जाएगा ना,
सो द टोटल रेसिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द इंडिविजुअल रेसिस्टेंस. एक ये बात है, एक एडवांटेज है ये, दिस इज वन एडवांटेज. दूसरा एडवांटेज है कि वोल्टेज वेरिएबल होती है इस तरीके के सर्किट में, लेकिन करंट सेम रहता है. इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. डिसएडवांटेज है कि घरों में आप ये सीरीज कॉम्बिनेशन यूज नहीं कर सकते. घरों में कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं जिन्हें थोड़ा करंट चाहिए होता है, कुछ होते हैं जिन्हें ज्यादा चाहिए होता है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में तो करंट सेम रहता है, तो हाउस होल्ड पर्पसेस के लिए ये बिल्कुल ही बेकार है. एट द सेम टाइम एक भी कंपोनेंट खराब हुआ, भाई आपने रेसिस्टर सीरीज में लगा रखे हैं, आपका एक भी कंपोनेंट खराब हुआ, ये वाला खराब हो गया, तो ये भी काम नहीं करेंगे, ये भी काम नहीं करेंगे, है ना, तो पूरा का पूरा सर्किट ब्रेक हो जाएगा. तो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है घरों के लिए. सर्किट ब्रेक होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं. एक साथ कई सारे अप्लायंसेज आप इसमें कनेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि करंट जो है पूरे मामले में सेम रहता है. लेकिन दूसरा तरीका जो है वो इन सारी की सारी प्रॉब्लम्स को इवेड कर देता है. रेसिस्टर्स को लगाने के दूसरे तरीकों को बोला जाता है बच्चा पैरलर कॉम्बिनेशन. पैरलर कॉम्बिनेशन में आप रेसिस्टर्स पैरलर होके लगाते हो. आप ऐसे भी लगा सकते हो, आप ऐसे भी लगा सकते हो, जरूरी नहीं आपको हॉरिजॉन्टली लगाना है, वर्टिकली भी लगा सकते हो. ऐसा मत सोचना, कन्वेंशनली हम ये डायग्राम दिखाते हैं उसका मतलब ये नहीं है कि इसी तरीके से लगा सकते हो. अब इसमें क्या होता है कि इसमें करंट डिफर करता है, इसमें वोल्टेज सेम रहती है. क्या सेम रहती है बच्चा? वोल्टेज सेम रहती है. वोल्टेज इज सेम Across all the resistors, voltage is same. अगर voltage same है, resistors का resistance तो different है, तो और क्या बदलेगा? Current बदलेगा. तो हम ऐसा बोल सकते हैं that I total is equal to I1 plus I2 plus I3. यानी कि जो current इस resistors के आसपास जा रहा है और जो इसके पास जा रहा है और जो इसके पास जा रहा है, तीनों को जब add करोगे तो circuit का total current आपको मिल जाएगा. जब हम इसमें Ohm's law लगाते हैं, Ohm's law क्या कहता है? V is equal to IR. यानी कि I is equal to V upon R. है ना, जब हम इसमें ओम्स लॉ लगाते हैं तो हमें मिलता है V तो सबका सेम है, तो वी टी वी वन वी टू लिखने की तो कोई बात ही नहीं है. हम यहाँ लिखेंगे V अपॉन R टोटल इज इक्वल टू वन अपॉन R1 प्लस वन अपॉन R2 प्लस वन अपॉन R3, ओ सॉरी V अपॉन, है ना. फिर आप वही V कॉमन ले लोगे, कॉमन ले लिया तो ये कट जाएगा और आपको मिलेगा 1 बाय आर टी इज इक्वल टू 1 बाय आर वन प्लस 1 बाय आर टू प्लस 1 बाय थ्री. इसमें आप क्लियरली देख रहे हो कि जो टोटल रेसिस्टेंस होता है वो इंडिविजुअल रेसिस्टेंस से क्या होता है? कम होता है. और ये इसका एक कौन है कि टोटल रेसिस्टेंस इज लेस देन द इंडिविजुअल रेसिस्टेंस. लेकिन इसके फायदे बहुत हैं. हाउस होल्ड सर्किट्स में ये बहुत अच्छे से काम करता है क्योंकि हर गैजेट को जितना करंट चाहिए होता है ये उस अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकता है. क्योंकि आप गैजेट की रेसिस्टेंस को भी चेंज करोगे तो उसके कंट्रोल को भी करंट को भी कंट्रोल कर सकते हो. तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के प्रोज और कॉन्स और सीरीज के प्रोज एंड कॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट है. थियोरेटिकल क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से कोई बनता है तो टॉप फाइव में ये वाला क्वेश्चन आता है. चलो आगे चलते हैं और हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, बहुत टाइम से किया नहीं. न्यूमेरिकल कह रहा है कि एक मेटल वायर है जिसका डायमीटर है 0.25 mm में है. डायमीटर है 0.25 mm, तो रेडियस क्या होगा बच्चा? रेडियस हो जाएगा 0.125. अब mm में दिया हुआ है तो mm को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगी तो 0.125 into 10 raised to power minus 3 मीटर में चाहिए हमें. मीटर आ गया है ना, उसमें जो हमने पढ़ा था ना ओम पर मीटर था ना, ओम मीटर था, मीटर में चाहिए, mm में नहीं चाहिए. फिर हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी जो है उस मटेरियल की है 0.8 into 10 raised to power minus 8 ओम मीटर, राइट. तो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक अ रेसिस्टेंस ऑफ 5 ओम? अगर हमें रेसिस्टेंस 5 ओम चाहिए कैसे निकालेंगे? R इज इक्वल टू, राइट, 5 चाहिए हमें. यहां पे हमने रो की वैल्यू लगा दी 0.8. यहां पे हमने लेंथ तो हमें निकालनी है तो लेंथ तो L ही लगा दो. एरिया क्या होता है वायर का? एरिया क्या होगा? 2 पाई आर नहीं होता, 2 पाई आर तो पेरीमीटर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर. तो पाई आर स्क्वायर, आर कितना है? 0.125. इससे आ जाएगा, बहुत भारी कैलकुलेशन लग रही है, मैं नहीं करूंगी, आप मुझे कमेंट्स में बता देना इसका आंसर क्या है. बहुत ही भारी लग रही है देखने से ही, तो यू डू. मेरे तो पास तो मैथ्स नहीं है, देखो
मेरे सिलेबस में नहीं है मैथ्स तो मैं नहीं करूंगी. ओके सेकंड क्वेश्चन करके दिखा देती हूँ. हाउ मच विल द रेसिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज डबल. इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं चाहिए, ये कर देती हूँ मैं. ये कह रहा है कि रेसिस्टेंस कितना बदलेगा अगर डायमीटर हमने डबल कर दिया तो. पहली बात कॉमन सेंस ही देख लो, अगर आप रेसिस्टेंस डायमीटर मतलब एरिया के ऐसा होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो रेसिस्टेंस कम होने वाला है. इतना तो हमें ऑलरेडी समझ आ गया कि रेसिस्टेंस कुछ ना कुछ करके कम होगा. अगर हम इनिशियल रेसिस्टेंस ले, इनिशियल रेसिस्टेंस को आपने आर से डिनोट किया और फाइनल रेसिस्टेंस को आर डैश से डिनोट किया, तो आर वुड बी पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई आर स्क्वायर की जगह डी अपॉन, रुको मैं अच्छे से रब करके बता देती हूँ. इनिशियल रेसिस्टेंस होगी आपकी पाई आर स्क्वायर होता है, तो आर इज नथिंग बट डी बाई टू ना, डी का आधा, ये होगी इनिशियल रेसिस्टेंस. और फाइनल रेसिस्टेंस जो है क्या होगी, फाइनल रेसिस्टेंस होगी कुछ ऐसी, डबल हो गया ना, 2D हो गया, आपने डायमीटर के में बदल दिया, तो 2D अपॉन 2 का स्क्वायर. इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा पाई 4D अपॉन 4, ये कट जाएगा तो आपके पास आएगा रो एल अपॉन पाई. ठीक है, ये आएगा आपका लास्ट रेसिस्टेंस यानी कि चेंज रेसिस्टेंस जो पूछा हुआ है यहाँ पे. लेकिन यहाँ पे पूछा है कि कितना बदलेगा, तो कितना बदलेगा बच्चा, कितना बदलेगा कैसे निकालोगे, आर डैश अपॉन आर इज इक्वल टू 4L अपॉन पाई डी इंटू, जब ये इंटू क्यों लगाया मैंने, क्योंकि ये नीचे जाएगा, ये पूरी की पूरी इक्वेशन यहाँ पे नीचे जाएगी. जब नीचे जाएगी और फिर इंटू का साइन लगेगा तो रिवर्स हो जाएगी, बेसिक रूल ऑफ मैथमेटिक्स. तो यहाँ पे आ जाएगा पाई डी स्क्वायर अपॉन 4L. ठीक है, आर नॉट अपॉन आर करके देखोगे ऐसे ही आएगा. जब आप इसको काटोगे यहाँ पे डी स्क्वायर आएगा, जब आप इसे काटोगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा और आपका आएगा ये आंसर. तो मतलब कि जब आप डायमीटर डबल करोगे तो नया रेसिस्टेंस जो है पुराने रेसिस्टेंस से चार गुना 4 times कम हो जाएगा. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन ये एक अजीब गरीब तरीके का सर्किट है जिसमें आपको बताना है कि एम मीटर पे रीडिंग कितनी आएगी. एम मीटर पे रीडिंग यानी कि करंट बताना है. पहले हम देखते हैं कि किस किस तरीके से कनेक्शन है. सबसे पहले तो जो ये वाला है यहाँ पे, पहले नाम दे देते हैं R1 R2 R3 R4 R5 और टोटल को दे देते हैं RT. ठीक है, अब सबसे पहले देखो R1 और R2 किस में लगे हैं, सीरीज में लगे हैं. तो अगर R1 और R2 सीरीज में लगे हैं तो R1 और R2 का टोटल कितना हो जाएगा, 3+3 = 6 ohm. राइट, मान लो 6 ohm को आपने नाम दे दिया R0, R1 + R2 को आपने नाम दे दिया R0. तो ये पूरा R3 के साथ पैरेलल में लगा हुआ है. किस में लगा है, पैरेलल में लगा हुआ है. तो R0 एंड R3 आर इन पैरेलल, इनका टोटल रेसिस्टेंस निकालो. R00 लगा देती हूं मैं, R00 इज इक्वल टू 1/R00 इज इक्वल टू 1/R0 प्लस 1/R3. पैरेलल का यही फॉर्मूला होता है, तो 1/R0 इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/3. यहां से आप निकालोगे आएगा 2. कितना आ गया, 2. राइट, अब R0 यानी कि ये पूरा का पूरा जो R0 आया है, ये R0 एंड R4 एंड R5 आर इन सीरीज. तो R00 प्लस R4 एंड R5 आर इन सीरीज.
टोटल रेसिस्टेंस कितना आएगा, और ये आर टी भी है, तो आर टी आ जाएगा आपका आर डबल नॉट टू आर फोर 0.5, आर फाइव 0.5, यानी कि 3 ओम टोटल रेसिस्टेंस आ गया सर्किट का 3 ओम। कैसे आया मैं फिर से बता रही हूँ, आर वन और आर टू सीरीज में थे, आर वन और आर टू टुगेदर आर थ्री के साथ पैरेलल में थे, और फिर इन पूरे का जो रेसिस्टेंस आया अंदर वाले सर्किट का वो आर फोर और आर फाइव के साथ सीरीज में था, ठीक है। तो टोटल रेसिस्टेंस आ गया 3 ओम। आई का फॉर्मूला होता है वी अपॉन आर, वी अपॉन आर इज 3/3, 3 वोल्ट की बैटरी लगी है ना, 3/3 इज 1 एम्पेयर। तो आंसर क्या आ गया बच्चों, 1 एम्पेयर। सॉरी फॉर द खिचड़ी दैट आई हैव मेड ऑन द बोर्ड, बट दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट एक ग्राफ वाला क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ग्राफ है आपका आई और वी के बीच का, बहुत ओम्स लॉ को याद रखो। ओम्स लॉ कहता है वी इज इक्वल टू आई आर, यानी कि आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, यानी कि आर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आई के। जब आप आई और वी के बीच का ग्राफ ड्रॉ करते हो तो जो स्लोप होता है वो देता है रेसिस्टेंस, और स्लोप ऑलरेडी कह रहा है, ये फॉर्मूला ऑलरेडी कह रहा है कि जितना आई ज़्यादा होगा उतना रेसिस्टेंस कम होगा। तो अगर आप यहाँ आर वन का आई देखोगे वो ज़्यादा है, आर टू का आई कम है, और आर थ्री का आई सबसे कम है। तो सबसे ज्यादा रेसिस्टेंस किस में होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, सबसे ज्यादा रेसिस्टेंस होगी आर थ्री में, तो आर थ्री की सबसे ज्यादा, फिर आर टू की, फिर आर वन की। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, आर थ्री इज ग्रेटर देन आर टू एंड विच इज ग्रेटर देन आर वन, राइट। नेक्स्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। देखो जब भी कोई कंडक्टर हीट होता है ना, जब भी कोई कंडक्टर के बीच में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो हीट डिसिपेट होती है। जैसे जब आप एक्सरसाइज करके आते हो तो आपकी बॉडी में भी हीट डिसिपेट होती है। जब भी एनर्जी कहीं स्पेंड होती है तो कुछ ना कुछ फॉर्म में, हीट के फॉर्म में एनवायरमेंट में वापस जाती ही जाती है, ठीक है। तो कंडक्टर्स में भी होती है। इसी हीटिंग इफेक्ट को, इलेक्ट्रिसिटी के हीटिंग इफेक्ट को कभी कभी हम कुछ अप्लायंसेज में यूज़ भी करते हैं। जैसे हमारे जो वाटर हीटर है, हमारे जो ये हैं आपके प्रेस है, आयरन करने वाले, कपड़े आयरन करने वाली जो मशीन होती है, इस्त्री जैसे बोलते हैं, राइट। ये सारी चीज़ों में आप इसी हीटिंग इफेक्ट को तो यूज़ करते हो ताकि वो गर्म कर सके और फिर आपके कपड़े प्रेस हो सके। और ये जो हीटिंग इफेक्ट है इसे भी आप जूल्स में ही एक तरीके से कन्वर्ट करते हो। ओमिक और जूल हीटिंग बोला जाता है क्योंकि जूल भाई साहब ने ये पूरा का पूरा पैतरा समझाया था कि इलेक्ट्रिसिटी का एक हीटिंग इफेक्ट भी होता है। अब अज्यूम करो, अच्छा फॉर्मूले पे आते हैं, फॉर्मूले पे कैसे आएंगे। अज्यूम करो कि एक ऐसा कंडक्टर है आपके पास, जब आप उससे इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो, एक ऐसा मटेरियल है जब आप उससे इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो, तो सारी की सारी एनर्जी उसकी इलेक्ट्रिक करंट में नहीं लग रही, हीट में लग रही है। अज्यूम करो कि सारी एनर्जी उसकी हीट में लग रही है जब इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, तो सारी की सारी पावर जो है उसकी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, वो कंडक्टर इतना गर्म हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि जो उसका वर्क डन है, जो वो कंडक्टर काम कर रहा था करंट को फ्लो कराने में, वो सारा काम एक तरीके से हीट एनर्जी में, भाई वर्क की भी जो आप ऐसा यूनिट लेते हो वो जूल लेते हो, और यहाँ पे आप हीटिंग इफेक्ट, हीट भी क्या है, एक तरीके की एनर्जी है, राइट। तो अगर ऐसा अज्यूम करो दैट देयर इज अ कंडक्टर, दैट द एंटायर वर्क डन बाय दैट कंडक्टर इज कन्वर्टेड इनटू अ हीट एनर्जी, तो आप ये बोल सकते हो दैट वर्क इज इक्वल टू, ओहो, वर्क इज इक्वल टू हीट। ये अज्यूम कर लिया, अभी वर्क का फॉर्मूला बताओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला बताओ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता था, एक पॉजिटिव चार्ज को एक इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने के लिए जो काम करते थे उसे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते थे। और अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, पढ़ा था कि नहीं, वही फॉर्मूला हीट के लिए लगा दो, एच इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। हमारे पास दो फॉर्मूले और हैं, दो फॉर्मूले कौन से, एक तो ओम्स लॉ है जो बोलता है V इज इक्वल टू आई आर, राइट। एक हमारे पास क्या है, एक सेकेंड, पहले इसमें लगा देते हैं, H इज इक्वल टू, यहां से फॉर्मूला बताओ, W इज इक्वल टू वी क्यू, ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला है। H में हमने लगा दिया एक सेकेंड, ये क्या हुआ है, वन सेकेंड,
एच इज इक्वल टू, अरे ये क्यों किया है यहाँ पे, एक सेकेंड गलत लिख दिया मैंने, नया नया फिजिक्स पढ़ा ना यही होता है कन्फ्यूजन, खुद ही को कन्फ्यूजन होती है। अभी हमने पीछे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा है दैट चल क्यों नहीं रहे तुम, हाँ अभी हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा है, हमारा माइक भी निकल गया, कम नखरे थोड़ी हैं ऑनलाइन क्लास के, देखो बहुत कुछ होता रहता है। अभी हमने पीछे पढ़ा V इज इक्वल टू W अपॉन Q, यहाँ से वर्क हमारा निकला वी क्यू। अब जब हम बोल रहे हैं वर्क इज इक्वल टू हीट, तो हीट इज ऑल्सो इक्वल टू वी क्यू, पर हमारे पास दो और फॉर्मूले, हमारे पास एक ओम्स लॉ है जो बोल रहा है वी इज इक्वल टू आई आर, और हमारे पास एक आई का फॉर्मूला है, करंट क्या होता था, करंट इज इक्वल टू एक यूनिट लेंथ कंडक्टर में एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, तो चार्ज अपॉन टी। अब वो दोनों फॉर्मूले को जब आप यहाँ लगाओगे तो आपको मिलेगा आई आर क्यू सबसे पहले, फिर आप दूसरा फॉर्मूला भी लगा दोगे तो आपको मिलेगा यहाँ से क्यू निकलेगा आई टी, जब आप दूसरा फॉर्मूला भी लगा दोगे तो आपको मिलेगा आई स्क्वायर टी। ये है आपका हीट का फॉर्मूला जो एनसीईआरटी यूज़ करती है। इसका मतलब ये नहीं है आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते, बट सबसे ज़्यादा जो फॉर्मूला चलेगा आपके न्यूमेरिकल्स में वो चलेगा एच इज इक्वल टू हीट इज इक्वल टू आई आर स्क्वायर टी। अब इसी फॉर्मूले से एक क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन है एक पैरेलल कॉम्बिनेशन का, इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो रेसिस्टेंस है हमारे पास, दो कंडक्टर अलग अलग कंडक्टर है, एक है लैम्प और एक है टू लैम्प्स, दोनों ही लैम्प है, दोनों को लैम्प बोला गया है। एक लैम्प है जिसमें 100 वॉट का आपका पावर है और इसके साथ 220 वॉट का क्या है वोल्टेज है, एक है जिसमें 60 वॉल्ट का पावर है और 220 वॉल्ट का क्या है आपका, मैंने इसकी ऐसा यूनिट बताई ओमिक और जूल्स, हाँ 220 वोल्ट का ये है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने क्या पढ़ा है कि वोल्टेज तो ये सेम रहता है, तो सही है वोल्टेज सेम है क्योंकि सर्किट का भी 220 है और इसका भी 220 है। अब आपको बताना है कि कितना करंट ड्रॉ होगा इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट्स, करंट कैसे निकलेगा, I1 प्लस I2 इज द टोटल करंट। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे जो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा है, V W इज इक्वल टू Q इंटू V, अभी पहले पढ़ा था ना यही वाला फॉर्मूला, यही वाला ठीक है हमने पुट किया। तो पहले वाले का देखो, अगर I1 के लिए देखोगे आप तो आपको मिलेगा यहाँ पे W इज इक्वल टू 100 वोल्ट राइट, और दूसरे I2 के लिए देखोगे तो आपको मिलेगा 60 वोल्ट अपॉन राइट, आ गया ये। अब ये कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट है, खुद करके देखो, मैं पॉज कर रही हूँ। ठीक है, जब यहाँ से Q1 और Q2 आ जाएगा तो आपको I1 और I2 भी मिल जाएगा, जब उसे आप ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा टोटल करंट। इसकी कैलकुलेशन मुझसे नहीं होगी, 220 डिवाइडेड बाय 100 और यहाँ पे 220 डिवाइडेड बाय 60 और वो सब, तो आप ये करके मुझे ज़रूर बताना कि आंसर क्या आया है। मैं इलेक्ट्रिक पावर करा देती हूँ, इलेक्ट्रिक पावर बेसिकली इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ सर्किट पर यूनिट टाइम। अभी तक आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ आए, चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, अब इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, इलेक्ट्रिक पावर होती है कि जो भी आपने बैटरी
कनेक्ट की है सर्किट से, बैटरी कनेक्ट की है या आपने सेल कनेक्ट किया है, वो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं सर्किट में। उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से डायरेक्शनलेस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं डायरेक्शन गेन करके आपकी फ्लो करंट को जन्म दे रहे हैं, है ना, फ्लो इलेक्ट्रिसिटी को जन्म दे रहे हैं, स्टैटिक को नहीं दे रहे, स्टैटिक तो रुकी रहती है। अब इन सब में एक पावर लगती है, कितनी पावर लग रही है, इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज द कितनी एनर्जी स्पेंड हो रही है एक सर्किट के अंदर एक पर्टिकुलर सेकंड में। अगर मैं बोलूं कि भाई 1 वॉट इलेक्ट्रिसिटी, 1 वॉट इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन बताओ, तो आप क्या बोलोगे? 1 वॉट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक पावर इज द अमाउंट ऑफ द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड, विच इज रिक्वायर्ड इन अ सर्किट इन 1 सेकेंड, और विच इज कंज्यूम्ड इन अ सर्किट इन 1 सेकेंड। हर सर्किट के लिए सेम तो नहीं रहेगी ऑब्वियसली, कितनी एनर्जी आप लगा रहे हो ये कंडक्टर पर डिपेंड करेगा, राइट? सो हर जगह पर इलेक्ट्रिक पावर सेम नहीं रहती है। कई ऐसे अप्लायंसेज होते हैं जो बहुत पावर लेते हैं, कई ऐसे अप्लायंसेज होते हैं जो बहुत कम पावर लेते हैं। एक बार ये डेफिनेशन दोबारा से पढ़ो, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो एक सर्किट में लगती है एक यूनिट टाइम के लिए, वो मेहनत करने के लिए, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्पेंड करने के लिए जो पावर जनरेट होती है उसे बोला जाता है, ठीक है? सो इसको हम डिफाइन करते हैं वर्क डन पर यूनिट टाइम। काम तो हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, काम हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, लेकिन पर यूनिट सेकंड में कितना काम हो रहा है उसे आप उसकी पावर बोल देते हो, एंड पावर इज डिफाइंड एज वी अपॉन टी। नाउ पावर इज वी अपॉन टी, वी अभी हमने पहले पढ़ा, नहीं पावर इज डब्ल्यू अपॉन टी, अभी हमने पढ़ा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, राइट? अब वो आप इसमें लगाओ, राइट? ये आ जाएगा, जैसे आप ये इक्वेशन इसमें लगाओगे ये आ जाएगा। अब एक और इक्वेशन भी तो हमारे पास, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ये हमने पहले ही पढ़ा था, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन पर यूनिट टाइम। अब यहाँ पे देख रहे हो क्यू टी लिखा हुआ है, जब इस इक्वेशन को इसमें लगा देते हो तो आपको मिलता है P इज इक्वल टू वी आई, राइट? अब इसमें ओम्स लॉ लगा दो, V के लिए ओम्स लॉ लगा दो, V के लिए ओम्स लॉ लगाओगे तो क्या मिलेगा? P इज इक्वल टू आई आर इन टू आई, यानी कि P इज इक्वल टू आई आर स्क्वायर। अभी हमने V के लिए ओम्स लॉ लगाया था, अब चलो I के लिए ओम्स लॉ लगा दो, I के लिए ओम्स लॉ लगा दोगे तो आपको मिलेगा P इज इक्वल टू V I होगा V अपॉन R, V अपॉन R यानी कि V स्क्वायर R, राइट? तो यहीं से हमें बहुत सारे फॉर्मूले मिलते हैं। P इज इक्वल टू वी आई भी ठीक है, जहाँ पे ये चीज़ें दी हों ऐसे पावर कैलकुलेट कर लेना, जहाँ पे आपको रेसिस्टेंस दिया हो, करंट ना दिया हो तो ऐसे कैलकुलेट कर लेना, जहाँ पे वोल्टेज ना दी हो तो ऐसे कैलकुलेट कर लेना। तीनों फॉर्मूले आप याद कर भी सकते हो, या सिंपल P इज इक्वल टू वी आई याद है और ओम्स लॉ याद है तो झटपट आप ये फॉर्मूला बना भी सकते हो। चलो जल्दी से एक क्वेश्चन करते हैं आपके टीचर, इससे पहले कि बेहोश होकर गिर जाए, हील्स में खड़े होकर पढ़ा रही हूँ मैं। एनीवे, इफ द करंट I थ्रू अ रेसिस्टर इज इंक्रीज बाय 100%, अगर करंट को आप 100% बढ़ा रहे हो, हाउ मच वुड बी इंक्रीज इन द पावर, हाउ मच वुड बी इंक्रीज इन द पावर? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो, राइट? चलो, सो क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, खुद से सॉल्व करने की कोशिश कर ली होगी, मैं भी बता देती हूँ। करंट आई पास कर रहा है और 100% आपने करंट को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। पावर का क्या फॉर्मूला होता है? पावर का फॉर्मूला होता है वी आई। इनिशियल पावर को ले लेते हैं पी वन और बाद वाली पावर को ले लेते हैं पी टू। पी टू का भी फॉर्मूला यही हो जाएगा, वी वन अपॉन आई टू। और ये अब हमें कहीं पर भी बताया नहीं है, कहीं पे भी बताया नहीं है कि वोल्टेज सर्किट के लिए सेम रहेगी या डिफरेंट रहेगी, लेकिन रेसिस्टेंस तो जो है सर्किट का सेम ही रहेगा ना, जब सेम ही मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो दोनों कंडीशंस में तो रेसिस्टेंस तो सेम रहेगा। तो हम रेसिस्टेंस वाला फॉर्मूला लेंगे, हम कौन सा फॉर्मूला लेंगे, हम ये वाला फॉर्मूला लेंगे। तो पी वन इज इक्वल टू आई स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर इंटू आर, एंड पी टू इज इक्वल टू कितना बढ़ाया आपने, आई आई आपने 100% बढ़ा दिया, यानी दोगुना कर दिया, यानी आई हो गया आपका 2i का स्क्वायर इंटू आर, राइट? अब ये पूछ रहा है कितना बढ़ेगा, यानी कि P2 माइनस P1 करना है आपको, P2 माइनस P1 करना, जरा पहले तो P2 सॉल्व कर लो, यहाँ पे P2 होगा 4i स्क्वायर
राइट, फोर आई स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर आर, ये हो जाएगा P2 माइनस P1 हो जाएगा ये, यानी कि डिफरेंस ऑफ पावर आ जाएगा 3 IR² है ना। यानी कि जितनी इनिशियल पावर थी, जितनी इनिशियल पावर थी उससे जो नई पावर है वो 3 गुना बढ़ गई है। कितनी बढ़ गई है? 3 गुना बढ़ गई है। तो 3 गुना बढ़ने का मतलब है 300% चेंज आया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन। इलेक्ट्रिकल लैम्प दिया हुआ है जिसका रेसिस्टेंस है 20 ओम। इलेक्ट्रिकल लैम्प है जिसका रेसिस्टेंस है 20 ओम। 20 ओम के साथ आपने एक 4 ओम वाला इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कनेक्ट किया और 6 वोल्ट की बैटरी लगाई, सीरीज में लगाया हुआ है, सीरीज में लगाया है तो करंट रहेगा सेम, वोल्टेज करेगी डिफर। टोटल रेसिस्टेंस बताओ सर्किट का, टोटल रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये तो सिंपल है, 20 + 4 = 24 ओम। द करंट थ्रू द सर्किट, सर्किट में से कितना करंट निकलेगा? पहले इसका करंट निकाल लो, I1 निकाल लो। नहीं, सर्किट में तो करंट सेम ही रहता है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। वोल्टेज आपको दी हुई है 6 वोल्ट, रेसिस्टेंस आपका निकल गया है 24, डिवाइड करोगे आपका करंट आ जाएगा। तो करंट भी सिंपल है आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प। इलेक्ट्रिक लैम्प कौन सा वाला था? लैम्प 20 ओम वाला। 20 ओम वाले इलेक्ट्रिक लैम्प के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है V = IR, है ना। थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं हम, थर्ड क्वेश्चन में V कितना है? V तो निकालना है, I कितना है? I यहां से निकालना पड़ेगा तभी तो आएगा। अब मैं कैलकुलेशन नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ, पर इसमें से जो आई आएगा वो आपको यहाँ पे आई लगाना है, आई टोटल, और उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 20 के साथ और आपका आ जाएगा वोल्टेज। ठीक है, पावर ऑफ द लैम्प, पावर ऑफ द लैम्प, लैम्प कौन सा था? लैम्प था आपका अगेन यही वाला। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला होता है VI। यहाँ से आई आ गया था बच्चों सेकेंड स्टेप से, यहाँ से थर्ड स्टेप से वी आ गया था, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे पावर आ जाएगा। सिंपल सा है, फिर से समझा दे रही हूँ क्योंकि कैलकुलेशन नहीं कर रही हूँ। टोटल रेसिस्टेंस सर्किट की निकालनी है, दोनों सीरीज में है, प्लस कर दिया आपने। करंट निकालना है, करंट दोनों का सेम रहेगा, वोल्टेज दी हुई है, रेसिस्टेंस दिया हुआ है, करंट निकाल लोगे। देन पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है इलेक्ट्रिक लैम्प में, इलेक्ट्रिक लैम्प का पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा IR, I पूरे सर्किट के लिए सेम रहेगा, रेसिस्टेंस 20 है, निकाल देना। पावर कैसे निकलेगा? V और I तब तक आई जाएगा आपके पास, उसे मल्टीप्लाई कर देना। नेक्स्ट इज यूज ऑफ द हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। मैंने पहले कुछ देर पहले बताया था कि ये जो हीटिंग इफेक्ट होता है कंडक्टर में से जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो हीट डिसिपेट होती है। कई कंडक्टर होते हैं जिसमें से कम हीट डिसिपेट होती है, कई कंडक्टर होते हैं जिसमें से ज़्यादा होती है, लेकिन जिन कंडक्टर्स में से, जिन मटीरियल में से ज़्यादा हीट डिसिपेट होती है, इस प्रॉपर्टी को हम कई सारे अप्लायंसेज में यूज़ करते हैं। ये जो अप्लायंसेज होते हैं इनमें ऐसी तार की कॉइल लगी होती है, ऐसे एलिमेंट की कॉइल लगी होती है जिसमें से जब इलेक्ट्रिक करंट पास करता है तो वो बहुत गर्म हो जाती है, और उसी हीट को हम कपड़े प्रेस करने के लिए, पानी गर्म करने के लिए, केक बेक करने के लिए यूज करते हैं। नाउ हीटिंग इफेक्ट आपके सिलेबस में 2 अप्लायंसेस का दिया हुआ है, एक बल्ब का दिया हुआ है, इजी अप्लायंस, एक फ्यूज का दिया हुआ है। पहले हम बल्ब की बात करते हैं। बल्ब के केस में जो हीट है वो हमें चाहिए क्या कहते हैं, लाइट जनरेट करने के लिए, रोशनी के लिए, और फ्यूज के केस में जो हीट डिसिपेट होगी वो हमें चाहिए सर्किट को ब्रेक करने के लिए। ये दोनों के बीच का बेसिक डिफरेंस है। पहले बल्ब की बात करते हैं। बल्ब के अंदर मटेरियल लगा होता है जिसकी रेसिस्टिविटी बहुत हाई होती है, उस मटेरियल का नाम है टंगस्टन। बल्ब के अंदर जो फिलामेंट बना होता है वो टंगस्टन का बना होता है। इसके साथ साथ उस टंगस्टन की रेसिस्टिविटी भी बहुत हाई है ना, रेसिस्टिविटी हाई है तो वो करंट को फ्लो करने से बहुत रेसिस्ट करता है। देन मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई है, तो जितना मर्जी आप उसमें से करंट पास करो वो मेल्ट नहीं होता है। इसके पास पास हम इसे थर्मली आइसोलेट कर देते हैं एज मच एज पॉसिबल। इसके पास हम इनर्ट गैसेस को डाल देते हैं, आर्गन गैसेस डाल सकते हैं या इनएक्टिव नाइट्रोजन डाल देते हैं। आर्गन गैसेस तो आपको पता ही है, नोबल गैस है। इनर्ट गैसेस को हम जब डाल देते हैं तो वो इंसुलेट भी हो जाता है। अब जब इसमें से, बल्ब में से, इस टंगस्टन फिलामेंट में से जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी तब क्या होगा, फिलामेंट में से बहुत सारी हीट निकलेगी। क्यों ज़्यादा हीट निकल रही है? कॉपर में से इतनी क्यों नहीं निकलती? क्योंकि टंगस्टन की रेसिस्टिविटी ज़्यादा है। तो जो ये हीट निकलती है, कुछ हिस्सा जो होता है इस हीट का वो लाइट रेडिएट करता है। मोस्टली जो बल्ब देखते हो ना आप, थोड़ी देर भी जलता है उसको टच करोगे बहुत गर्म हो जाता है, तो ज़्यादातर हिस्सा जो होता है वो बल्ब को गर्म करने में काम आता है, लेकिन बल्ब फटता नहीं है क्योंकि इस फिलामेंट
इस टंगस्टन की मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा करंट पास करोगे बल्ब फट भी जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट हाई है लेकिन इन्फिनाइट थोड़ी है, तो ज़्यादा हिस्सा जो है हीट प्रोड्यूस करने में जाता है, लेकिन हमारा इंटरेस्ट हीट में नहीं है, हमारा इंटरेस्ट है हीट के साथ साथ जो लाइट रेडिएट होती है उससे हमारे घर होते हैं रोशन। तो दिस इज हाउ अ बल्ब लुक्स, दिस इज योर फिलामेंट, इट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन। नेक्स्ट हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट वी हैव टू स्टडी इज एन इलेक्ट्रिक फ्यूज। फ्यूज क्या होता है बच्चा? फ्यूज एक ऐसी डिवाइस होती है छोटी सी, जिसे आप इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में लगाते हो, अप्लायंसेस में लगा देते हो। ये आप सर्किट को जब ब्रेक करना चाहते हो ना, क्योंकि अभी हमने पढ़ा जब सर्किट क्लोज होगा तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, सर्किट में कोई भी रुकाव होगा तो इलेक्ट्रिसिटी फ्यूज फ्लो नहीं करेगी। तो फ्यूज जो होता है उसके बीच में कुछ इस तरीके का सिस्टम लगा हुआ होता है। इसके बीच में या तो एक वायर लगी हुई होती है जो मेटल की बनी होती है, या फिर इसके बीच में किसी अलॉय की भी बनी हुई होती है, या फिर इसके बीच में कोई हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले मेटल लगे हुए होते हैं, मतलब वायर के फॉर्म में ही लगे होते हैं, कभी कभी एक फिल्म भी लगी हुई होती है। तो एल्युमिनियम, कॉपर, ऐसे कंडक्टर वाले मेटल्स लगे होते हैं फ्यूज़ के बीच में, पतली सी तार या पतली सी प्लेट के तरीके से। अब होता क्या है, जब एक अप्लायंस को एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ करंट चाहिए, जब अप्लायंसेस बनते हैं तो जब उनकी टेस्टिंग होती है तो एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड होता है, जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक पर्टिकुलर हीट या पर्टिकुलर पीएच चाहिए होता है, पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस पर्टिकुलर करंट पे ही काम कर सकते हैं, एक रेंज होती है। तो जब उस रेंज से ज़्यादा करंट, उस बाई चांस कभी उस रेंज से ज़्यादा करंट फ्लो करने लगता है उस अप्लायंस में, तो अप्लायंस ख़राब ना हो उसके लिए ये फ्यूज़ जो है अपना बलिदान देता है। जब उतना हाई करंट जाता है तो ये जो वायर होती है फ्यूज़ के अंदर, ये वायर ब्रेक कर जाती है ना। व्हेन अ करंट लार्जर देन द स्पेसिफाइड वैल्यू फ्लोस थ्रू द सर्किट, द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूज वायर इंक्रीजेस, और ये जो फ्यूज़ है वो मेल्ट कर जाता है और सर्किट ब्रेक हो जाता है, और इससे जो पूरा आपका अप्लायंस है वो ख़राब नहीं होता है। तो यूजली ये एक पोर्सिलेंस कार्ट्रेज में होता है ताकि इलेक्ट्रिक करंट बाहर भी फ्लो ना करे, किसी को पोटेंशियल शॉक ना लगे। बट इससे ये भी होता है कि सर्किट फिर ब्रेक भी हो जाता है, फिर आपको सर्किट ठीक करना है तो फिर फ्यूज़ को बदलना पड़ेगा। बोलते हैं ना फ्यूज़ उड़ गया होगा, घर में बत्ती चली गई है, फ्यूज़ को चेंज करोगे तो आ जाएगी, राइट? तो घर में सर्किट्स में डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए जो फ्यूजेस यूज होते हैं वो मोस्टली 1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, 3, 5, मैक्सिमम 10 एम्पेयर पे होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन किस घर में कितने करंट की ज़रूरत है। कई घर होते हैं जहाँ बहुत सारे अप्लायंसेस चलते हैं, वहाँ पे बड़े फ्यूजेस भी यूज़ होते हैं, बट यूजली इसी तरीके के फ्यूजेस होते हैं। सो दिस वॉज ऑल। आपको इस चैप्टर के और न्यूमरिकल्स करने हो तो एक अलग से सेशन लगा सकते हैं जिसमें सिर्फ हम सम ये प्रॉब्लम्स करेंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन और ये सब। आज मैं थक गई थी लास्ट वाले की, मैंने कैलकुलेशन भी करके नहीं दिखाई, बट बोलोगे तो अलग से एक न्यूमरिकल्स का सेशन बना के उसमें खूब सारी कैलकुलेशन करके दिखा दूंगी। इसका फ्री PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे कलेक्ट करना मत भूलना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। मेरा नाम है शुभम पाठक और इस चैनल को क्लास 10th के लिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो यार। Okay, bye and take care and see ya.